तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है छोटी छोटी बातें हैं जो हमें एक्चुअली पता होनी चाहिए हमारे एग्जामिनेशन पर्पज के लिए स्पेसिफिकली सबसे पहले एग्जामिशन क्यों मिलती है रीजन होता है पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज बहुत सारे गुड्स या स्पेसिफिकली काफ़ी सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए अगर जीएसटी लगता है तो हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है कंज्यूमर के ऊपर सो लेट से आई गिव यू एन एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है वो हॉस्पिटलाइज होता है ठीक है वो उसका हॉस्पिटल में एक तो वैसे ही कोई बीमार हो गया या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटलाइज हुआ उसको हॉस्पिटल का बिल देना पड़ता है उसके ऊपर डॉक्टर्स उससे कहते हैं कि आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा ठीक है चाहे वो कितना भी परसेंट हो एटीन परसेंट हो ट्वेल्व परसेंट हो फाइव परसेंट हो कितना भी हो बट दिस इज एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑल दो टैक्स हमेशा एक्स्ट्रा बर्डन ही होता है बट ऑब्वियसली टैक्स भी गवर्नमेंट के पास आना जरूरी है क्योंकि बाकी गवर्नमेंट की जरूरत है हमारी इंडिया इकोनॉमी डेवलप कैसे करेगी बट फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर टैक्स लगाना ठीक नहीं है जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज स्पेसिफिकली और अगर मैं बातें करूंगा तो एजुकेशन सर्विसेज ठीक है स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं उसके ऊपर स्कूल या कॉलेज अपनी फीस चार्ज कर रहा है उसके ऊपर अपना जीएसटी भी चार्ज कर रहा है तो गवर्नमेंट को भी पता है कि कुछ चीजों पर हमें जीएसटी नहीं लगाना है ठीक है तो उसको वो एग्जेप्ट करती है तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने काफी सारी चीजों को एग्जेम्ट किया हुआ है सो दैट इज वट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे ठीक है ये बातें सीजीएसटी का एक्ट पढ़ते हैं तो सेक्शन 11 में देर इज अ पावर गिवन टू द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट चाहे तो गुड्स को या सर्विसेज को नोटिफाई कर सकती है और उसके ऊपर बोल सकती है कि हम जीएसटी नहीं लगाएंगे आईजीएसटी में भी ठीक है ऐसा नहीं है कि अगर इंट्रा स्टेट है तो जीएसटी एग्जेमट होगा इन केस अगर इंटर स्टेट भी है अगर आप दूसरी स्टेट से भी गुड्स या सर्विसेज लेते हैं तो भी जीएसटी एस होना चाहिए तो बिल्कुल सिमिलर सेक्शन है दोनों सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 11 और आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 6, दोनों में सेम बातें लिखी हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट हैज टू नोटिफाई सर्टन गुड्स और सर्विसेज जिसको वो एग्जेप्ट कर सकती है ठीक है एग्जाम क्यों आती है बेसिक मोटिव होता है कुछ और छोटी छोटी नोटिफिकेशंस भी आई है बट दिस इज द प्राइमरी नोटिफिकेशन नंबर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको सारी नोटिफिकेशन के नंबर याद होने चाहिए बट दिस इज समथिंग विच यू कैन लर्न एक नोटिफिकेशन का नंबर इसलिए मैंने सिर्फ दिया आपको टिकवनटीन थर्टीन उबली टू थाउजेंड सेवेंटीन क्या होता है वो रिवर्स चार्ज के बारे में ठीक है उसको किसी और दिन बातें कर लेंगे ओके कमिंग बैक तो गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के थ्रू एक जनरल सभी चीज के ऊपर वो कह सकती है कि हम अब इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे और कभी भी उसको विडड्रॉ करना होगा तो वो एक और नोटिफिकेशन लाकर किसी भी चीज पर विदड्रॉ भी कर सकती है कि हमने पहले इसको एग्जामिशन दिया था अब हम इसको टैक्सेबल कर रहे हैं ठीक है या फिर बाय स्पेशल ऑर्डर किसी स्पेशल सर्कमस्टांसिस में किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन के लिए भी गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर दे सकती है बट ये बातें तो थोड़ी थ्योरेटिकल हैं मेन जो नोटिफिकेशन हमें देखनी है वो देखनी है कि जनरल जो सभी के लिए ठीक है ऑल ओवर इंडिया ठीक है ऑल ओवर द टेक्सीबल टेरिटरी जो अप्लाई करेगा हमें जनरल नोटिफिकेशन के बारे में बातें करनी है एक और इंपॉर्टेंट चीज जो सेक्शन 11 में या सेक्शन 6 में लिखी होती है कि गवर्नमेंट चाहे तो फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन दी किसी भी पर्टिकुलर चीज को एग्जाम करने के लिए उसके बाद लोगों ने इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया ठीक है अपने अलग तरीके से कुछ इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने इसको सही इंटरप्रेट किया कुछ लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट किया तो गवर्नमेंट को लगेगा कि कुछ लोग तो इसको ठीक से समझ नहीं रहे हैं और वो इसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं तो गवर्नमेंट चाहे तो क्लैरिफिकेशन भी ला सकती है ठीक है बाद में उनको पता चलेगा नहीं नहीं मुझे तो जो हमने नोटिफिकेशन इशू की थी किसी पर्टिकुलर सर्विसेज के बारे में गुड्स के बारे में उसके ऊपर हमें क्लैरिफिकेशन लाने की जरूरत है द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इशू अ क्लैरिफिकेशन वो क्लैरिफिकेशन भी ला सकती है और एक साल के अंदर अगर वो क्लैरिफिकेशन लेकर आ जाते हैं तो इस क्लैरिफिकेशन का सेम इफेक्ट होता है कि वो पहले से ही जब प्राइमरी ओरिजिनल नोटिफिकेशन आई थी तो हम उसी को क्लैरिफाई कर रहे हैं ये नहीं कि हम आज आज से प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं क्लैरिफिकेशन लाकर नहीं हम क्लैरिफिकेशन लाकर कर ये बताना चाहते हैं कि हमारा मतलब कहने का जो हमने एग्जाम नोटिफिकेशन में बताया था वो ये था ठीक है तो अगर क्लैरिफिकेशन एक आ, साल के अंदर आ जाती है तो माना जाएगा कि ये ओरिजिनली ही रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका आया है ठीक है तो ये बातें सेक्शन 11 या सेक्शन 6 की थी अब हम मेन बातें करेंगे कौन कौन सी चीजें एक्समड होती है अच्छा आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन आ गया सिक्स मार्क्स का एट मार्क्स का और वहां पर बताया गया कि आप टैक्स जीएसटी की लाइबिलिटी निकालिए जीएसटी लाइबिलिटी निकालिए और आपको फॉर एग्जाम्पल पांच पॉइंट दे दिए गए अब आपको देखना है कि क्या हर तरह की जो हमने सर्विसेस प्रोवाइड की हैं क्या उस सबके ऊपर जीएसटी लगेगा या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जेम्ट है तो आपको वहां पर फॉर एग्जाम्पल आपको पांच पॉइंट या छह पॉइंट दिए गए हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिसके ऊपर जीएसटी एक्जेंट होता है ठीक है अगर उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम होता है तो उसको प्लीज आप अपनी वैल्यू में इंक्लूड ना करें और उसके ऊपर जीएसटी ना लगाएं तो इसीलिए हम ये सारी बातें तो मैंने डिवाइड करा है अलग अलग कैटेगरीज में इनको जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की कुछ सर्विसेज हैं रिलीजियस सर्विसेज हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसज है ठीक है, है इस तरीके से ही मैंने इन सबको डिवाइड किया है अलग अलग कैटेगरीज में जिससे कि आप थोड़ा समझने में भी और रिटेन करने में भी आसानी रहे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एग्जिम्ट होती हैं तो मेनली हमें सर्विसेज के बारे में बातें करनी है कि कौन कौन सी सर्विसेज एग्जिम्ट होती हैं ओके okay, स्टार्ट करें फर्स्ट कैटेगरी सर्विसेज बाय

क्या जितनी भी एनजीओज हैं उनकी सभी सर्विसेज वो अलग 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 सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं तो क्या उनकी सभी सर्विसेज एग्जेप्ट होती है द आंसर इज़ नो ओनली फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज तो साफ साफ यहां पर क्लियर मैं कर देता हूं कि अगर आप एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है प्रोवाइडेड आप सेक्शन ट्वेल्व डबल ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड हो यह होना जरूरी है अगर कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सेक्शन ट्वेल्व डबल ए में रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उसके बारे में बातें नहीं कर रहे हैं दे ऊपर तो जीएसटी लगेगा बट फर्स्ट पॉइंट कि आप ट्वेल्व डबल ए में रजिस्टर्ड हो ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्लस आप कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हो आप कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्विसेज दे रहे हो तभी आप एग्जेट हो जाएंगे यानी कि मस्ट बी सैटिस्फाइड फॉर क्लेमिंग एग्जेपन ठीक है जिससे कि हम एग्जन ले सके हैं. हाँ जी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की अगर आप पब्लिक हेल्थ यानी कि आप हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हो ठीक है हेल्थ में भी किसको किस इन लोगों की आप केयर या काउंसलिंग कर रहे हैं जो टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं ठीक है मेंटली और फिजिकली एचआईवी या एड्स uh, से इफेक्टेड पेशेंट्स हैं ड्रग्स या नारकोटिक्स के ऊपर जो लोग uh, काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं ड्रग्स कंज्यूम करते हैं अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उन लोगों के लिए ये लोग हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर अवेयरनेस अगर कोई एनजीओ है कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है ट्वेल्थ डबल ए रजिस्टर्ड है और उनका काम क्या है वो लोग अवेयर करते हैं लोगों को जाकर किस चीज के बारे में फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ की आप अपनी हेल्थ का कैसे किस तरीके से उसको सुधार सकते हैं किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं या फिर फैमिली प्लानिंग ठीक है सबको समझ में आ गया तो बहुत मैंने शॉर्ट में दिया है जिससे कि आप रिकॉल कर पाए तो इनकेस द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटीज लाइक Uh, care and counseling of uh, terminally ill patients, HIV, uh, AIDS affected patients, those uh, people who are dependent on drugs or narcotics, and awareness of preventing health, yeah, family planning. तो अगर आप इस तरह की services देते हैं, तो आपकी services के ऊपर GST नहीं लगेगा. दूसरा है, अगर आप education services देते हैं, तो क्या education, अगर आपके school हैं तो यहां पर कवर्ड होगा क्या स्कूल्स को हम अलग से भी देखेंगे बट यहां पर बहुत स्पेसिफिक चीजें कवर्ड हैं। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैं अगर आप ठीक है ट्वेल्व डबल ए में रजिस्टर्ड हैं और आप एजुकेशनल फैसिलिटीज uh, देते हैं आप एजुकेशन देते हैं या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं किसको टू ऑर्फन्स ऑर्फन मतलब होमलेस चिल्ड्रन ठीक है ठीक है सर बाकी बच्चों को अगर कोई स्कूल की सर्विसेज देंगे तो हम अलग से बातें करेंगे एजुकेशन सर्विसेज की ठीक है अलग से यहाँ पर एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज की भी बातें करेंगे तो थोड़ी देर आप रुक जाइएगा तो मैं वहां पर बातें करूँगा बट सम इस समय राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ठीक है हाँ जी होमलेस चिल्ड्रन फिजिकली और मेंटली इल पेशेंट्स को अगर हम कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराते हैं या प्रिजनर्स को जैसे आपको पता है हाँ तिहाड जेल में ठीक है अक्सर इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और भी जेल में होते होंगे बट तिहाड़ जेल का काफ़ी न्यूज में आता रहता है तो अगर प्रिजनर के, के लिए हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर जो लोग गांव में रहते हैं रूरल रेसिडेंट्स एंड वो 65 फाइव ईयर्स की एज से ज्यादा के लोग हैं इन लोगों के लिए अगर हम एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कौन है हम लोग ठीक है वी आर आ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सेक्शन 12 डबल ए में रजिस्टर्ड हैं और इस तरह की एक्टिविटीज हम लोग करते हैं इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो एग्जेक्ट रहेगा या फिर ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो, में और इस तरह की वो करते हैं, तो उन, वो जितनी भी थोड़ी बहुत फीस वो चार्ज करते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे ठीक है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हरिद्वार में इनका ठीक है तो दे हैव हाँ, देयर कैंपस इन हरिद्वार पतंजलि योगा करके कुछ है ठीक है आपको पता होगा ये बातें तो फॉर एग्जांपल अगर हम वहां पर पंद्रह दिन का कोई कोर्स करने के लिए जाएं फॉर एग्जांपल योगा का कोई कोर्स हो रहा है तो फिफ्टीन डेज का कोर्स करने के लिए जाए एंड दे आर चार्जिंग सम फीस लेट से वो लोग पांच चार्ज कर रहे हैं तो क्या उसके ऊपर वो जीएसटी भी लगाएंगे द आंसर इज नो बिकॉज अगर वो ट्वेल्व डबल ए में रजिस्टर्ड है तो आई बिलीव कि वो लोग ट्वेल्व डबल ए में रजिस्टर्ड हैं एंड दे आर है, और हम एनवायर ठीक है अगर हम इनके प्रिवेंशन के लिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिविटीज कर रहे हैं तो हम लोगों के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा ये लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा क्लियर हो गया ठीक है दो इंपॉर्टेंट बातें हैं याद रखिएगा क्या कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कवर्ड है यहां पर नहीं दो चीजें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, ट्वेल्व डबल ए में रजिस्ट्रेशन हो प्लस सर्टन इस तरह की एक्टिविटीज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है कुछ और बातें हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के बारे में ठीक है अगर ये लोग कोचिंग देते हैं इन रिलेशन टू आर्ट्स कल्चर और स्पोर्ट्स तो भी एक्सम्ड रहेगा कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है कोई एनजीओ है ट्वेल्व डब्ल्यू में रजिस्टर्ड है और वो इस तरह की अगर कोचिंग या ट्रेनिंग देते हैं तो भी एक्जाम रहेगा ठीक है दोबारा रिपीट कर रहा हूं कोचिंग रिलेटेड टू आर्ट्स कल्चर और स्पोर्ट्स दूसरी चीजें जब ये लोग सर्विसेज इंडिया के बाहर से रिसीव करते हैं ठीक है इंडिया के बाहर से जब ये सर्विसेज रिसीव करते हैं सर्विसेज फ्रॉम अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब आउटसाइड इंडिया जब ये लोग बाहर से सर्विसेज रिसीव करते हैं तो भी हम लोग को जनरली पता है कि जब हम बाहर से सर्विस रिसीव कर रहे हैं बिकॉज डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो करता है जीएसटी इंडिया में सर्विसेज आ रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं सर्विसेज उसके ऊपर हम जीएसटी पे करना पड़ता है और ऑब्वियसली ज्यादातर रिवर्स चार्ज में ये होता है आरसीएम बेसिस पर होता है बट इन लोगों के लिए फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और ये बाहर से कोई सर्विसेज लेते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा ठीक है इसकी एक्सेप्शन है ओ ठीक है ठीक है अगर हम लोग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज लेते हैं फिर तो फॉरवर्ड चार्ज पे ही टैक्स वो लोग ले लेते हैं बट इसके अलावा अगर हम बाहर से सर्विसेज लेते हैं तो जीएसटी नहीं लगता है या फिर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है बट उनका क्या काम है ओल्ड एज होम है वृद्ध आश्रम है ठीक है ओल्ड एज होम है और वो कितना चार्ज करते हैं मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ पर मेंबर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ पर मेंबर से अगर वो इतना तक चार्ज करते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा और वैसे मैं आपको बता दूं इतना ज्यादा चार्ज कोई भी ओल्ड एज होम नहीं करता है अगर वो इससे ज्यादा चार्ज कर रहा है तो इसका मतलब फिर तो वो फाइव स्टार फैसिलिटी दे रहा है फिर तो जीएसटी लग जाएगा तो इससे ज्यादा पर मंथ पर मेंबर अगर आप चार्ज नहीं करते हैं तो आप उन लोगों से जीएसटी नहीं लीजिएगा जैसे कि फॉर फॉर एग्जाम्पल एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उनका ओल्ड एज होम है ठीक है जहां पर बूढ़े लोग जिनके परिवार ओ, उनको सपोर्ट नहीं करता या परिवार में कोई नहीं है तो ऐसे लोग ओल्ड एज होम में चले जाते हैं ठीक है वहाँ पर रहते हैं बट उनको वहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना होता है कुछ होते हैं फ्री कुछ होते हैं जहाँ पर एक नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ता है लेट से वन थाउजेंड रुपीज पर मंथ या टू थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा तो अगर आप एक ट्वेल्व डबल ए में रजिस्टर्ड हैं ओल्ड एज होम चला रहे हैं और ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करते वो भी कहाँ तक लिमिट दी है अच्छा खासा अमाउंट तक लिमिट दी गई है पच्चीस हज़ार पर मंथ पर मेंबर से आप ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं अगर इससे ज़्यादा चार्ज करते हैं फिर तो पूरा जी आएगा लेट्स से अगर कोई ओल्ड एज होम है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है थर्टी थाउजेंड रुपीज़ चार्ज करता है तो थर्टी थाउजेंड पर फिर तो फिर फिर आप पूरे अमाउंट के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट कीजिएगा जो भी जीएसटी का रेट है लेट्स एटीन परसेंट तो फिर वो थर्टी थाउजेंड के ऊपर पूरे पर आएगा बट अगर पच्चीस हज़ार तक अमाउंट चार्ज करते हैं देन वुड बी नो जीएसटी ठीक है तो आई बिलीव आपको फर्स्ट कैटेगरी क्लियर हो गई है इस तरह का चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है इस तरह की एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं तो आपके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे दूसरी कैटेगरी आती है रिलीजियस सर्विसेज रिलीजियस सर्विसेज मतलब जो लोग रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करते हैं ठीक है तो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग लोग हैं जो रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करते हैं लाइक like, पंडित हैं ठीक है मौलाना साहब हैं ठीक है प्रीस्ट हैं ठीक है चर्च के प्रीस्ट हैं ठीक है गुरुद्वारे में होते हैं लोग तो ऐसे लोग जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो फॉर एग्जांपल कोई पंडित जी आते हैं घर में पूजा वगैरह करते हैं तो क्या वो जीएसटी भी चार्ज करेंगे ठीक है वो लोग उन्होंने पूजा करी आकर ठीक है कितने पैसे चार्ज करे डिपेंड करता है किस किस तरह की पूजा कराई है किस तरह के पंडित जिसे आपने पूजा कराई है ठीक है हो सकता है पांच सौ रुपए हो सकता है हजार रुपए हो सकता है पचास हजार रुपए डिपेंड करता है तो क्या वो जीएसटी लगाएंगे द आंसर इज नो तो कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी तो वो जितना भी पैसा चार्ज कर रहे हैं उनकी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं है और दूसरी बात जैसे कोई भी रिलीजियस प्लेस है कोई भी रिलीजियस प्लेस है टेम्पल है मॉस्क है है ठीक चर्च है गुरुद्वारा है कोई भी रिलीजियस प्लेस है और वो अपने को रेंट पर दे देते हैं ठीक है अपने प्रोमाइसिस को उनके पास कुछ जगह है वहां पर रेंट पर दे देते हैं कभी कभी क्या होता है जैसे आपने देखा होगा कि कुछ प्रवचन हो रहे होते हैं तो कोई भी स्पिरिचुअल गुरु वहाँ पर उस पर्टिकुलर शहर में आकर अपने डिस्कोर्सेस uh, देना चाहते हैं अपने uh, प्रवचन देना चाहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि uh, किसी रिलीजियस प्लेस पर वो जगह किराए पर ले लेते हैं एक दिन के लिए दो दो दिन के लिए डिपेंड करता है कितने दिन का वो प्रवचन चलेंगे वहां पर तो और वहां पर जनरल पब्लिक आ सकती है जनरल पब्लिक आ सकती है ठीक है अटेंड कर सकती है वो पर्टिकुलर uh, इवेंट और फिर वो चले जाएंगे तो उन लोगों ने क्या किया ठीक है बंदर ने या फिर कोई भी रिलीजियस प्लेस है उन्होंने क्या करा वो अपना जगह रेंट पर दी फॉर जनरल पब्लिक आ सकती है वहाँ पर तो उसके लिए भी जीएसटी नहीं लगाएंगे उसके लिए भी जीएसटी नहीं लगाएंगे अप टू अटन लिमिट ठीक है बट अगर फॉर एग्जाम्पल किसी रिलीजियस प्लेस ने अपनी उनके पास कुछ हॉल्स होते हैं कुछ कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं वो पर्टिकुलर प्लेस रेंट पर दे देते हैं शादी के लिए भी प्राइवेट फंक्शन के लिए भी तो अगर प्राइवेट फंक्शन के लिए रेंट पर दिया तो जीएसटी लगेगा प्राइवेट फंक्शन के लिए रेंट पर दिया तो जीएसटी लगेगा बट अगर आपने किसी को ऐसे व्यक्ति को रेंट पर दिया है जो जनरल पब्लिक के लिए उसको यूज करेंगे जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई स्पिरिचुअल गुरु आके वहां पर प्रवचन देंगे तो इन दैट केस जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है कब नहीं लगेगा ठीक है तो लिखा हुआ है साफ़ साफ़ रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस फॉर जनरल पब्लिक ठीक है प्राइवेट पर्प के लिए जीएसटी लगा दीजिएगा जनरल पब्लिक के लिए मत लगाइएगा बट अगर रूम रेंट पर दिया रूम रेंट पर दिया जैसे कि कुछ लोग आसपास के शहर के लोग फॉर एग्जाम्पल काफी फेमस इंडिया में काफी अलग अलग तरह के ग्रूज हैं ठीक है और वो काफी फेमस हैं ठीक है उनकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है तो आसपास के शहर के लोग भी आते हैं वो पर्टिकुलर जगह अटेंड करने के लिए ठीक है वो अटेंड करने के लिए जैसे एक पिक्चर थी दृश्यम ठीक है दृश्यम में क्या होता है वो अजय देवगन कहीं पर एक आसपास के शहर में वो जाता है और वो अटेंड करने के लिए दो तीन दिन का फंक्शन था वो अटेंड करने के लिए बात कर रहा था वहाँ पर तो उन लोगों ने अपना क्योंकि वो दूसरे शहर से आए हैं तो वो लोग रूम रेंट पर भी लेंगे तो जब ये रिलीजियस प्लेस अपने रूम रेंट पर भी देते हैं और अगर उसका वो रेंट चार्ज कर रहे हैं वन थाउजेंड रुपीज से कम वन थाउजेंड रुपीज से कम चार्ज कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है लिखा हुआ साफ साफ रेंट मस्ट बी लेस देन पर डे सर अगर से ज्यादा है फिर तो पूरे अमाउंट के ऊपर जीएसटी एक्जैक्ट वन थाउजेंड है एग्जैक्ट वन थाउजेंड पर भी जीएसटी है क्योंकि देयर इज रिटन स्पेसिफिकली ओवर देयर दैट रेंट मस्ट बी लेस देन लेस देन थाउजेंड रुपीज पर डे कम्युनिटी हॉल किराए पर दिया है जैसे मैंने अभी बताया था कि उनके पास कम्युनिटी हॉल होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल उनके पास कोई सत्संग भवन है इस तरह के हॉल हैं वो अपना किराए पर दे देते हैं ठीक है जहां पर काफी सारे लोग एक साथ बैठकर वो पर्टिकुलर रिलीजियस इवेंट जो भी हो रहा है उसको सुन सकेंगे तो कम्युनिटी हॉल के अगर वो टेन थाउजेंड रुपीज पर डे से टेन थाउजेंड रुपीज पर डे से कम चार्ज कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा अगर टेन थाउजेंड या उससे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो जीएसटी लगेगा ठीक है और अगर कोई शॉप अगर ऐसे आप मंदिर देखते हैं कि आसपास शॉप्स वगैरह भी होती हैं तो वो लोग वो होती जगह मंदिर की है ठीक है या कोई भी रिलीजियस प्लेस है ठीक है मॉस्क है गुरुद्वारा है चर्च है वो उनकी जगह होती है बट उन्होंने शॉप्स क्राइब पर दी है जिसका रेंट टेन थाउजेंड रुपीज से कम चार्ज करते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा टेन थाउजेंड या उससे ज्यादा चार्ज करते हैं तो जीएसटी लग जाएगा याद रहेगी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं ये ठीक है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कैलाश मानसरोवर है या फिर हज की यात्रा कराते हैं ठीक है थीके? तो हमें उनको उनसे परमिशन लेनी पड़ती है ठीक है तो उस कुछ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कुमाऊ समिति है वहाँ से हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इस जगह पर जाना चाहते हैं तो वो लोग आपसे कुछ पैसे भी चार्ज करते हैं या हज करना चाहते हैं तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है तो इन दैट केस वो ऑर्गेनाइजेशन भी हमसे जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे ठीक है सबको समझ में आ गया रिलीजियस सर्विसेज में कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस फॉर जनरल पब्लिक नॉट फॉर प्राइवेट परपज प्राइवेट पर्पज के लिए तो ये कुछ रेंट वगैरह मत देखिएगा फिर तो पूरे अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगाइएगा ठीक है ये फॉर जनरल पब्लिक के लिए इतनी लिमिट्स हैं वन थाउजेंड रुपीज से कम का रूम रेंट है टेन थाउजेंड रुपीज पर डे से कम का कम्युनिटी हॉल का रेंट है थाउजेंड रुपीज पर मंथ देख लीजिए रूम्स पर डे कम्युनिटी हॉल्स पर डे शॉप्स पर मंथ लिखा हुआ है और मेरे ख्याल से ये बहुत है, क्योंकि हम रूम्स रेंट पर लेते हैं एक दिन या दो दिन के लिए हॉल दो तीन दिन, दिन का डेज के हिसाब से बातें करेंगे बट जब शॉप रेंट पर ली जाती है तो पर मंथ किराया बताया जाता है पर डे नहीं होता वहां पर मंथ ही होता है तो यहां पर पर मंथ की बातें की गई है ओके नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्विसेज विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ज एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग करते हैं कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स भी एग्रीकल्चर में आएगा या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर आप uh, का uh, किसी एनिमल को रियरिंग करने का काम होता है एनिमल को रियरिंग जैसे बी कीपिंग बिजनेस है या पोल्ट्री फार्म है या फिश बिजनेस है तो अगर आप रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी करते हैं तो ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट होगा ठीक है बट एक्सेप्ट हॉर्सेस हॉर्सेस याद रखिएगा अगर रियरिंग ऑफ हॉर्सेस रियरिंग का मतलब पालन करना तो अगर रियरिंग ऑफ हॉर्सेस है तो दैट इज टेक्सेबल ठीक है इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं तो दैट इज टेक्सेबल बट अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं कुड बी अ कल्टिवेशन ऑफ प्लांट और रियरिंग ऑफ एनी लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल एनी लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल एक्सेप्ट हॉर्सेस तो एनिमल्स में सब कुछ आज सारे एनिमल्स आ जाएंगे ठीक है कैटल आ जाएगा पोल्ट्री आ जाएगा फिश वगैरह ये सब आ जाएंगे बट हॉर्सेस को मत लीजिएगा स्टर्ड्स को मत लीजिएगा ठीक है हाँ जी कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स प्लांट्सिंग ऑफ एनिमल्स क्यों करते हैं फॉर फूड ठीक है फाइबर Fuel, या रॉ मटेरियल या सिमिलर प्रोडक्ट तो इस तरह की बातें अगर आप करते हैं तो दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज आप दे रहे हैं तो अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आपके एक्टिविटीज पर जीएसटी नहीं लगेगा किस तरह की सर्विसेज हो सकती हैं ये अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन करते हैं इंक्लूडिंग कल्टिवेशन हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग प्लांट प्रोटेक्शन एटसेट्रा तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा लेट्स से आई यू एन एग्जाम्पल देर इज अ फार्म फार्म है और ये फार्म है मिस्टर ए का. का फार्म है और यहां पर मिस्टर ए कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं ठीक है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते थे बट अब मिस्टर ए को लगता है कि मैं खुद इस तरीके से एक्टिविटीज नहीं कर पाऊंगा तो वो किसी और को ये बोल देते हैं कि आप लोग आकर मेरे इस फार्म पर प्लांटेशन खींचे ठीक है और मैं आपको पैसे दूंगा यानी कि मिस्टर ए अब खुद टाइम नहीं दे पा रहे थे या कोई भी रीजन था तो ये किसी और से बोल देते हैं कि आप मेरे यहां पर आकर एक्टिविटीज कीजिए तो फॉर एग्जांपल यहां पर कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड एक कंपनी है वो इस तरह की एक्टिविटीज कराते हैं तो मिस्टर ए ने क्या किया मिस्टर ए ने एक्स लिमिटेड को अप्रोच किया तो इन्होंने एक्स लिमिटेड से बोला कि एक्स लिमिटेड आप हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कीजिए

उसके ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा ठीक है सबको समझ में आ गया इस तरह की एक्टिविटीज हैं ये तो लिखा हुआ है साफ साफ अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहे हैं लाइक कल्टिवेशन ऑफ प्लांट हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग प्लांट प्रोटेक्शन एटसेट्रा तो जीएसटी नहीं लगेगा सप्लाई ऑफ फार्म लेबर सप्लाई ऑफ फार्म लेबर समझते हैं से आई थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल को चेंज कर रहा हूँ ये फार्म है मिस्टर एक ही फार्म था मिस्टर uh, ये यहां पर कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं मान लेते हैं खेती करते हैं बट इनको अभी दस लेबर्स की भी जरूरत है दस लेबर्स की भी जरूरत है यहां पर कुछ हटा देता हूं मैं ठीक है मिस्टर ए को दस लेबर्स की जरूरत है अब ये लेबर कहां से एंगेज करेंगे या तो खुद किसी को बोलेंगे कि आप आकर हमारे खेत में काम कीजिए और मैं आपको पर डे के वेजेस दे दूंगा या फिर फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई मिस्टर जेड है इनका काम क्या है जेड का ये फार्म लेबर सप्लाई करते हैं तो मिस्टर ए क्या करता है मिस्टर ए ने जेड को कॉन्टैक्ट किया कि मिस्टर जेड मुझे दस लेबर्स की जरूरत है अगले एक महीने के लिए अगले एक महीने के लिए मेरे खेत में कुछ काम है और मुझे दस लोगों की जरूरत है क्या आप मुझे दस लोग सप्लाई करेंगे तो जेड कहेगा ठीक है सर मैं आपको दस लोग सप्लाई कर दूंगा बट उसके लिए पैसे चार्ज करूंगा तो लेट से मिस्टर जेड ने जो भी अमाउंट लिया उसके ऊपर जीएसटी वो लगाएंगे क्या द आंसर इज नो बिकॉज मिस्टर जेड कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में आएगा ही सप्लाइंग फार्म लेबर ही सप्लाइंग फार्म लेबर। तो अगर आप फार्म लेबर सप्लाई कर रहे हैं तो आप जीएसटी नहीं लगाएंगे ठीक है बट अदर देन फार्म लेबर है तो ऑब्वियसली जीएसटी लगेगा अदर देन फार्म लेबर क्या होता है लेट uh, से कोई भी एक कंपनी है uh, कोई भी ले लें नेस्ले लिमिटेड एक कंपनी है इन लोगों को ना अपने लिए एक फाइनेंस मैनेजर ढूंढ रहे हैं इनका फाइनेंस मैनेजर रिजाइन करके चला गया तो इनको एक फाइनेंस मैनेजर की जरूरत है ठीक है जिसको कम से कम 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो एफएमसीजी सेक्टर में ठीक है पर्टिकुलर ये क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए कुछ और भी चीजें ये लोग देख रहे हैं कि उस नए कैंडिडेट में ये सब होना चाहिए तो नेस्ले लिमिटेड सर्च कर रहा है तो इनके पास सर्च करने के क्या क्या तरीके हैं एक एडवर्टीजमेंट निकाल सकते हैं ठीक है ठीके? या कहीं पर भी पोस्ट कर सकते हैं ये पर्टिकुलर जगह या फिर हो सकता है कि नेस्ले लिमिटेड अप्रोच करे किसी भी जॉब कंसल्टेंट के साथ तो लेट से कि कोई भी जॉब कंसल्टेंसी कंपनी है एक एक ले ले तो, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैन पावर लिमिटेड ठीक है मैन पावर लिमिटेड जनरली

लेबर ठीक है लेबर लेबर नहीं सप्लाई कर रहा है वो बट मैन पार ने इनसे फॉर एग्जाम्पल फोर्टी थाउजेंड रुपीज चार्ज किए क्या जीएसटी भी लगेगा तो आंसर यस बिल्कुल लगेगा सर हमने पढ़ा अभी सप्लाई ऑफ लेबर अरे हमने पढ़ा सप्लाई ऑफ फार्म लेबर ठीक है जैसे मेरा एग्जाम्पल यहां पर था कि मिस्टर ए को अपने खेत में काम कराने के लिए ही रिक्वायर सम पीपल और वो जेड से इन्होंने अप्रोच किया या किसी भी व्यक्ति से अप्रोच किया वो लोग सप्लाई कर रहे हैं फार्म लेबर फार्म लेबर तो फार्म लेबर के ऊपर देयर इज नो जीएसटी बट अगर आप एनी अदर वर्क फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज नॉट अ फार्म लेबर तो इन दैट केस देयर वुड बी जीएसटी ठीक है याद रहेगा ये बातें सप्लाई ऑफ फार्म लेबर या फिर अगर आप कोई ऐसा प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं एट अ फार्म डज नॉट चेंज द असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फार्म है अगेन दिस एग्जाम्पल दिस इज द फार्म यहां पर फॉर एग्जाम्पल पटेटोज हमने पोटेटोज की फार्मिंग की और हम किसी को uh, कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि आप हमारे पटेटो को क्लीन करिएगा क्योंकि हम इसको मार्केट uh, में ले जाकर प्राइमरी मार्केट में ले जाकर बेचेंगे तो आप इसको क्लीन कीजिएगा तो वो जो क्लीनिंग करने वाली एक्टिविटी है वो जो व्यक्ति है जो क्लीन करने आएगा वो पैसे चार्ज करेगा ठीक है मान लेते हैं कोई कंपनी है या कोई भी इंडिविजुअल जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो प्लीज बताइए जब उन्होंने पटेटो की क्लीनिंग करी तो क्या क्लीनिंग करने के बाद पटेटो कुछ और बन गए या पटेटो ही रहे वो तो पटेटो ही रहे ना तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उन्होंने कोई प्रोसेस तो करा प्रोसेस वो क्लीनिंग ऑफ़ पोटैटोस बट वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही असेंशियल करेक्टरिस्टिक उसने असेंशियल करेक्टरिस्टिक चेंज नहीं करी है तो ऐसा प्रोसेस के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है या फिर रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीन अगर हम किसी से मशीन किराए पर लेते हैं तो मशीन किराए पर लेना रेंटिंग ऑफ मशीन ज ए सर्विस जीएसटी लगना चाहिए बट अगर वो एग्रीकल्चर मशीन है जीएसटी नहीं लगेगा या फिर अगर हम किसी से लैंड किराए पर लेते हैं या फिर कोई छोटी मोटी वहां पे रूम वगैरह भी बिल्डिंग बनी हुई है तो इट्स ओके ठीक है मेनली हम किसके लिए यूज करेंगे एग्रीकल्चर पर्पज के लिए तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा ठीक है अगर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की किसी व्यक्ति से लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग या वेयरहाउसिंग कराते हैं तो भी जीएसटी नहीं आएगा लोडिंग अनलोडिंग क्यों कराएंगे फॉर एग्जाम्पल हमें प्राइमरी मार्केट में ले जाकर मंडी में ले जाकर अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचना है तो हमें क्या करना होगा अपने वहां से सारे चीजों की पहले पैकिंग करानी पड़ेगी फिर वहां से लोडिंग करानी पड़ेगी तो अगर हम इस तरह की एक्टिविटीज ले रहे हैं किसी से भी तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज होता है विच इज एजुकेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा एपीएमसी एग्रीकल्चर प्राइमरी मार्केटिंग कमेटी जी ये लोग हमारे प्रोडक्ट्स बेचने में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचने में हेल्प करते हैं ठीक है यहाँ पर कमीशन एजेंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उनकी सर्विस वो लोग हेल्प कर रहे हैं पैसे चार्ज करेंगे जीएसटी नहीं लगेगा फ्यूमिगेशन फ्यूमिगेशन होता है करना स्प्रे करना थीके? जिससे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करना ठीक है जिससे कि किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में खराब ना हो उसके अंदर कीड़े ना लगे तो उसको कहते हैं फ्यूमिगेशन करना सर फ्यूमिगेशन तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन में आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि खेत में काफी देखा होगा कुछ पिक्चर्स में या फोटोज में कि खेत में लोग स्प्रे करते हैं तो वो तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन में आ जाएगा बट कभी कभी क्या होगा कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खेत से आ गया है बट वेयर हाउस में रखा हुआ है अब वेयर हाउस में भी रखने के लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए कि वहां पर वो खराब ना हो डिस्ट्रॉय ना हो तो वहां पर भी हमें फ्यूमिगेशन कराना पड़ सकता है तो जनरली जरूरी नहीं है कि वो एग्रीकल्चर फार्म में ही हो रहा हो फ्यूमिगेशन अगर वो हमारे वेयर हाउस में भी हो रहा है हमने किसी से सर्विस ली प्लीज़ फ्यूमिगेट कीजिए हमारे प्रोडक्ट्स को वो कहाँ पर रखे हुए हैं हाउस में तो भी एग्रीकल इस एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मानते हुए जीएसटी नहीं लगाएंगे ठीक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ कुछ और बातें भी हैं सुन लीजिएगा अगर हम किसी से भी इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस कराते हैं इन रिलेशन टू प्लांट्स या एनिमल्स ठीक है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब किसी से अभी हमारे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रॉप्स हैं ठीक है क्रॉप्स हैं यहाँ पर बड़े हो रहे हैं बट यहाँ पर हमें कोई बीच में कोई प्रोसेस कराना पड़ रहा है किसी से भी तो वी कैन गेट दिस प्रोसेस डन विदाउट पेइंग जीएसटी जीएसटी नहीं देना पड़ेगा इसके ऊपर या फिर अगर कोई व्यक्ति इस तरह की सर्विसेज देता है आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक एक्सेप्ट हॉर्सेस हॉर्सेस का नाम आते ही जीएसटी लगा दीजिएगा ठीक है, एक्सेप्ट लाइफ स्टॉक इंसेमिनेशन क्या होता है जैसे होते हैं। तो अगर कोई इस तरह की सर्विसेज दे रहा है in relation to livestock, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज ऑफ राइस सर राइस को अलग से क्यों बोला गया बिकॉज राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस राइस पैडी uh, होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस राइस नहीं होता बट राइस के लिए भी इन्होंने बोला कि लोडिंग अनलोडिंग पैकेज स्टोरेज या अगर स्टोरेज या बात है तो अगर आप राइस के लिए भी करेंगे तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं ठीक है कुछ मसाले टाइप चीजें होती हैं ये आपने सुना होगा जैसे कुछ नाम दालचीनी ठीक है आप अपनी मदर से या घर में किसी पूछ लीजिएगा दालचीनी क्या होती है अगर आपको नहीं पता तो ऐसी इलायची वगैरह जैसी और भी चीजें होती हैं तो इसको कहते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की अगर आप वेयर हाउसिंग करेंगे तो भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल ठीक है फ्रूट्स नट्स स्पाइसेस शुगर कॉटन जूट अगर आप इनकी स्टोरेज या वेयर हाउसिंग सर्विसेज लेते हैं तो भी जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था ये तो प्री कंडीशनिंग प्री कूलिंग वैक्सिंग वैक्सिंग पता है ना एप्पल्स के ऊपर आप देखते हैं ठीक है बहुत शाइन करते हैं कुछ एप्पल्स उनके ऊपर क्या होता है वैक्सिंग वैक्स लगा होता है तो ऐसी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से धोके खाना चाहिए वैक्सिंग वगैरह क्यों करते हैं जिससे जल्दी से खराब ना हो देखने में सुंदर सुंदर वो सेब लगे तो प्री कंडीशनिंग प्री कूलिंग वैक्सिंग रिटेल पैकेजिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिटेल पैकेजिंग देखिए लेबलिंग देखा है फ्रूट्स के ऊपर स्टिकर लगा रहता है ऑरेंजेस के ऊपर एप्पल्स के ऊपर स्टिकर लगा रहता है लेबलिंग रहती है तो अगर हम किसी से ऐसी सर्विसेज भी ले रहे हैं तो भी जीएसटी नहीं लगेगा क्लियर हो गया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था इजली आप आराम से कर सकते हैं ना चार्ट से अच्छे से रिवाइज हो जाएगा कौन कौन सी सर्विसेज किए हैं अभी हमने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज क्या इंपॉर्टेंट बातें थी ट्वेल्व डबल ए में रजिस्टर्ड हो प्लस कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्टिविटीज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं रिलीजियस सर्विसेज अगर कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी है ठीक है शादी हो रही है नामकरण हो रहा है ठीक है मुंडन हो रहा है वट एवर इट इज ठीक है तो ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए अगर हम किसी भी पंडित जी मौलाना साहब प्रीस्ट वगैरह को बुलाते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा रिलीजियस प्लेस की रेंटिंग करते हैं फॉर जनरल पब्लिक प्राइवेट पर्पज़ के लिए प्लीज़ ये अमाउंट भी मत देखिएगा प्राइवेट पर्पज़ के लिए तो जीएसटी लगा दीजिएगा जनरल पब्लिक के लिए अगर है तो इतनी लिमिट

ठीक है सर बुखार हो गया है डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने अपनी कंसल्टेशन चार्जेस लिए फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के पास गए उन्होंने फोर हंड्रेड चार्ज कर लिया फाइव हंड्रेड चार्ज कर लिए क्या फाइव प्लस जीएसटी आदमी वैसे ही बीमार नहीं होगा तो जीएसटी देखकर वैसे बीमार हो जाएगा अरे पांच सौ के ऊपर जीएसटी लगा दिया इतने पैसे चार्ज कर रहा है डॉक्टर तो नहीं हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया गया तो डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने जाइए हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है तो जीएसटी नहीं लगेगा एम्बुलेंस है ठीक है घर से उसको हॉस्पिटल ले जाया ले जाया जा रहा है या हॉस्पिटल से वापस लाया जा रहा है एम्बुलेंस किसी भी तरह की हो सकती है ठीक है एयर एम्बुलेंस भी हो सकती है तो अगर एम्बुलेंस वगैरह इस तरह की सर्विसेज हम लोग ले रहे हैं ठीक है आ, क्लिनिक में इलाज हो रहा है हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है नर्सिंग होम में इलाज हो रहा है इट्स ओके उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा बट याद रखिएगा जो भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मेडिसिन में ठीक है ट्रीटमेंट हो रहा है दैट मस्ट बी अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन मतलब एलोपैथी हो होम्योपैथी हो नेचुरोपैथी हो यूनानी हो ठीक है वो अगर नहीं है फिर जीएसटी लग जाएगा तो इंपॉर्टेंट बात है कि वो स्ट्रीम में होनी चाहिए क्या होता है जैसे एलोपैथी ये लिस्ट को आप एक दो बार पढ़ सकते हैं बहुत ईजी लिस्ट है ठीक है याद नहीं करना है बस एक दो बार पढ़ना है जिससे कि आपको याद रहे कि हाँ ये हमने पढ़ा था ये एग्जाम होता है ठीक है एलोपैथी होम्योपैथी नेचुरोपैथी आयुर्वेदा योग सिद्ध यूनानी अदर एक बार आप पढ़ेंगे ठीक है मैं मार्क करूंगा सिर्फ आप लोग पढ़ेंगे जोर से ठीक है जोर से चलाइए ठीक है आसपास भी सुन ले लोग की पढ़ाई हो रही है ठीक है या फिर मम्मी पूछे क्या हो रहा है तो उन्होंने को कोई बात नहीं आप चिंता मत करो मैं ठीक हूँ ऐसे बोल दीजिएगा ओके ठीक है मैं मार्क करूंगा आपको जोर से बोलना है एक बार और ठीक है बस एक बार और फिर आपको एग्जाम तक भी दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं रहेगी एक बार और जोर जोर से मैं मैं भी साथ साथ बोलूंगा ओके एलोपैथी होम्योपैथी नेचुरोपैथी आयुर्वेद योगा बोल रहे हैं ना मेरे साथ साथ सिद्ध यूनानी या अदर सिस्टम इज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है इसके अलावा अगर किसी भी ब्रांच ऑफ मेडिसिन में इलाज हो रहा है तो दैट वुड बी टेक्सीबल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ जाता है रेखी ठीक है रेकी हीलिंग होती है एक या फिर प्राणिक हीलिंग होती है ठीक है बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके की हीलिंग्स निकाल दी हैं तो ये सब रिकॉग्नाइज्ड नहीं है ठीक है तो रेकी सुना है ना आपने कुछ लोग होते हैं रेकी मास्टर्स होते हैं वो लोग क्योर कर देते हैं ठीक है तो आप इसके बारे में गूगल वगैरह कर सकते हैं बट इनके अलावा अगर आप कुछ भी सुने तो देखें तो उसके ऊपर जीएसटी लगा दीजिएगा ओके कमिंग बैक तो हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या आएगा अगर हम सर्विसेज लेते हैं किसी भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या हो गया क्लिनिक हो सकता है नर्सिंग होम हो सकता है हॉस्पिटल हो सकता है ठीक है या फिर ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर से अगर अच्छा मुझे बताइए एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा सर डॉक्टर ना ने आके घर पर ट्रीटमेंट दिया ठीक है घर पर ट्रीटमेंट दिया क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं जा सकता था वो घर पर आया सर उसने पैसे चार्ज किए या उनके लिए नर्सेस भी अपॉइंट करनी पड़ी है तो इट्स ओके जरूरी नहीं है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट भी कवर्ड है और वहां पर लिखा है उब्लीक ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर या कोई नर्सिंग स्टाफ भी पैरामेडिक्स पैरामेडिक्स मतलब नर्सिंग स्टाफ तो अगर ये लोग आके घर पर भी इलाज कर रहे हैं तो इट्स ओके जीएसटी वो लोग चार्ज नहीं करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट सर्विसेज एम्बुलेंस ठीक है इंक्लूडिंग एयर एम्बुलेंस ठीक है ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ने अगर दे दिया एयर एम्बुलेंस आपने सोचा अरे पेशेंट बाय एयर जा रहा है हेलीकॉप्टर से जा रहा है उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा क्या नहीं जी बिल्कुल नहीं लगेगा कॉड ब्लड बैंक सर्विसेज ठीक है जब बेबी का बर्थ होता है तो इस तरह की सर्विसेज दी जाती हैं कॉड ब्लड बैंक सर्विसेज जो वो मदर वूम से अटैच होता है बेबी ठीक है उसको कट किया जाता है तो उसका एक हिस्सा प्रिजर्व कर दिया जाता है क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्ट part में उस कॉर्ड में कुछ एलिमेंट्स होते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे कि आगे जाकर कुछ बीमारियां क्योर हो सकती हैं ठीक है थीके? तो इसके बारे में आप हम रेगुलर क्लासेस में बहुत डिटेल में बातें करते हैं ठीक है अभी तो फिलहाल आपको याद कराने के लिए ही रिवेशन है ये तो कॉर्ड ब्लड बैंक सर्विसेज अगर कोई भी व्यक्ति प्रोवाइड करता है इस तरह की काफ़ी कंपनीज होती हैं ठीक है थीके? ये लोग अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं ये काम की भी चीज़ें हैं आ, तो फोर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ ये चार्ज करते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक वो पर्टिकुलर कॉर्ड को उस पार्ट को प्रिजर्व करके रखते हैं ठीक है आने वाले पचास साठ साल तक प्रिजर्व करके रखते हैं वो खराब नहीं हो सकता कहीं पर भी आ, जिस व्यक्ति का ये कॉर्ड है कहीं पर भी हो वो लोग फिर वो प्रोवाइड करा देते हैं वापस ठीक है रिट्रीव करा देते हैं तो इस तरह के कॉर्ड ब्लड बैंक हैं वेटनेरियन सर्विसेज ठीक है कुत्ते बिल्ली के लिए अगर इलाज कराना है तो जाइए अपने पेट को लेकर तो बट वो वेटनरी डॉक्टर वेट आपसे पैस पैसे चार्ज करेगा बट जीएसटी चार्ज नहीं करेगा ठीक है बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल है या नर्सिंग होम है ठीक है उनका बहुत ज्यादा वेस्ट निकलता है जैसे कॉटन है ठीक है, 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 है या बैंडेजेस हैं वाइट बैंडेजेस हैं ठीक है कॉटन के ऊपर ब्लड वगैरह है बैंडेजेस में ब्लड है या और भी चीज़ें हैं तो हम ऐसा नहीं है कि वो हॉस्पिटल अपने जो डस्टबिन हैं हॉस्पिटल के बाहर वहाँ पर आके ओपनली वो वेस्ट डाल दे नहीं उससे बीमारियाँ हो सकती हैं तो बहुत सारी कंपनीज हैं वो कहती हैं कि आप ये वेस्ट बाहर नहीं डालेंगे आप अपना वेस्ट वहीं पर ही रखिए अपने यहाँ पर ही इंटरनल अपने हॉस्पिटल में रखिए और हम आपके हॉस्पिटल में डेली आएंगे एक बार दो बार तीन बार डिपेंड करता है वो कितना बड़ा हॉस्पिटल है और वो लोग यहां से वो वेस्ट लेकर चले जाते हैं फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं ठीक से जिससे कि बीमारियां ना फैलें तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी कंपनी है वो बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट आप देखते भी होंगे ना ठीक है आपने अगर नोटिस अभी तक नहीं किया होगा अगले एक हफ्ते में देख लीजिएगा आप बाहर निकलते हैं ना आपको कोई ना कोई छोटी मोटी वैन मिल जाएगी लिखा होता है बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट ठीक है अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा अब आपको मिल जाएगा वो पक्का अगले एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगा आपको ठीक है मुझे तो रोज ही दिखाई दे, दे जाते हैं ये बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट वाली वैन तो ये लोग सर्विसेज देते हैं ये अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहां से वेस्ट कलेक्ट करते हैं सर्विसेज बाय रिकॉग्नाइज्ड रिहैबिलिएशन प्रोफेशनल ठीक है ये बाद में ऐड हुआ था तो रिकॉग्नाइज्ड रिहैबिलिएशन प्रोफेशनल रिहैबिलिएशन का मतलब होता है जो काफी ज्यादा लोग बीमार हो जाते हैं या फिर डिप्रेस हो जाते हैं उनको ये रिहैबिलिएशन करने की कोशिश करते हैं प्रोफेशनल्स तो इनकी सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी नहीं चार्ज किया जाएगा क्लियर हो गया हॉस्पिटल uh, में हॉस्पिटल में हम रूम रेंट पर लेते हैं पेशेंट के लिए कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा हॉस्पिटल में uh, जो आपको मील्स प्रोवाइड की जाती हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज ये इंपॉर्टेंट बात है जो हॉस्पिटल में मील्स प्रोवाइड की जाती हैं अगर वो पेशेंट के लिए कराई जा रही है पेशेंट मतलब जो एडमिटेड पेशेंट है जो उस हॉस्पिटल में अभी एडमिट है उसके लिए अगर मील्स प्रोवाइड की जा रही हैं फूड फूड किया जा रहा है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा बट अगर दूसरा कैंटीन्स वगैरह हैं हॉस्पिटल में जहाँ पर विजिटर्स आते हैं और वहां से वो फूड ले सकते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगेगा अगर सर पेशेंट है बट वो एडमिट नहीं हुआ उसके ऊपर भी जीएसटी होता है ना पेशेंट आया दिखाने के लिए हॉस्पिटल वापस जा रहा है वो आराम से ठीक उसको छोटा थोड़ा मोटा बुखार हुआ था वो -छो आया और वापस जा रहा है पर उसने सोचा कि हॉस्पिटल आया आए तो मैं छोले भटूरे खा लेता हूं तो उसकी जीएसटी चार्ज हो जाएगा ठीक है देन यू विल अप्लाई ठीक है बट किसके लिए नहीं होगा ओनली फॉर एडमिटेड पेशेंट्स रूम रेंट इन हॉस्पिटल एग्जेक्ट रहेगा ठीक है बट अदर रेंट नॉट रिलेटेड टू हेल्थ केयर इज टेक्सेबल बट अगर कोई दूसरा रेंट है फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल के पास कोई मीटिंग हॉल भी है उन्होंने मीटिंग हॉल किसी को रेंट पर दे दिया उसके ऊपर जीएसटी चार्ज हो जाएगा फूड सप्लाईज टू एडमिटेड पेशेंट्स एडमिटेड समझ गए विजिटर्स के लिए जीएसटी लगेगा नॉन एडमिटेड पेशेंट्स के लिए भी जीएसटी लग जाएगा कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी हो तो जीएसटी नहीं लगेगा अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो ठीक है उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है तो जीएसटी नहीं लगेगा बट अगर किसी को अपने फॉर एग्जाम्पल उसके हेयर uh, चले गए हैं तो वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है जिससे कि उस फॉर एग्जाम्पल उसकी व्यक्ति की भी शादी नहीं हुई है वो तो चाहता है भैया मैं वैसे ही पहले से गंजा हो गया तो मैं चाहता हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराना जिससे मैं सुंदर दिखाई देने लग लगता है तो अगर आप ब्यूटिफिकेशन पर्पस के लिए ठीक है अगर आप ब्यूटिफिकेशन पर्पस के लिए अपने बालों को ठीक करा रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं या कोई कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पज देन इट इज इजेबल ठीक है क्लियर हो गया सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर सर्विसेस नेक्स्ट आ जाएं चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट सर्विसेज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आई एम सेइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट उसके बाद हम बातें करेंगे गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं दे कैन ट्रैवल बाय रोड वो रोड के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं जब हम कोई कार रेंट पर लेते हैं या फिर हम नॉर्मल अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो बस में ट्रैवल कर सकते हैं या फिर बाई वाटर ट्रैवल कर सकते हैं रेलवे के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं या बाईर ट्रैवल कर सकते हैं तो वी हैव डिफरेंट मोड्स टू ट्रैवल क्या जब हम उसका टिकट परचेज करते हैं ठीक है लेट्स आई वुड लाइक टू ट्रैवल फ्रॉम डेली टू बेंगलौर ठीक है मैं डेली से बेंगलौर जाना चाहता हूँ ट्रेन में मैं ट्रेन का टिकट बुक करता हूँ तो लेट्स uh, बेंगलौर राजधानी मैं बुक करता हूँ ठीक है इट्स ए सी कंपार्टमेंट मैंने uh, बुक किया तो दे विल चार्ज भी सम अमाउंट वो मुझसे फॉर एग्जाम्पल थ्री थाउजेंड रुपीज चार्ज करते हैं क्या उसके ऊपर जीएसटी भी होगा या नहीं होगा उसकी बातें हमें करनी है सो वी आर टॉकिंग अबाउट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो वी कैन ट्रैवल बाय अगर आप देखेंगे तो मैंने इस तरीके से चार्ट बनाया है वी कैन ट्रैवल बाय डिफरेंट मोड्स रोड से ट्रैवल कर सकते हैं या रेल्स के थ्रू ठीक है रेल्स के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं अच्छा ऐसा नहीं है कि हमें दूसरे शहर में ट्रैवल करना है हम विद इन सिटी भी ट्रैवल कर सकते हैं जैसे आप देखते हैं कि आपके शहर में लोकल बसेस चलती हैं जो आपको फ्रॉम वन पर्टिकुलर एरिया टू एरिया तक पहुंचा देती है तो कवर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो वॉटर के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं या बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं तो किस अमाउंट के ऊपर कब हमारे ऊपर जीएसटी लगेगा और कब नहीं लगेगा तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम रोड के uh, मोड से ट्रैवल कर रहे हैं तो रोड के मोड से कैसे ट्रैवल कर सकते हैं हम बस से ट्रैवल कर सकते हैं ठीक है अब डिपेंड करता है कि आप अगर विद इन द सिटी ट्रैवल कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर लेट से डेली में रहते हैं ठीक है डेली में रहते हैं मैं कोई एक एरिया ले, ले लेता हूँ लेट से प्रीत विहार ठीक है इट्स एन एरिया इन ईस्ट डेली तो अगर आप प्रीत विहार में रहते हैं और आपको ट्रैवल करना है वसंत विहार वसंत विहार इज इन साउथ डेली ठीक है बोथ डेली तो आप अलग अलग मोड से ट्रैवल कर सकते हैं हो सकता है आप बस लेते हो तो यहाँ पर एक पब्लिक बस चलती है आ, प्रीत विहार से विवेक विहार में आ, पूरे ऑल ओवर डेली कवर करते हैं आ, अलग अलग बस रूट्स तो आप इस बस रूट पे चढ़ते हैं तो लेट्स वो आपसे फोर्टी रुपीज आ, चार्ज करते हैं तो क्या उसके ऊपर जीएसटी भी होगा या नहीं होगा अब डिपेंड करता है कि जब आप बस से ट्रैवल करते हैं ठीक है तो आप विद इन द सिटी कर रहे हैं आउटसाइड है, कर रहे हैं विद इन द सिटी कैसी बसेस होती हैं उसको हम कहते है, हैं स्टेज कैरेज ठीक है सब लोग जानते होंगे ये बातें दो तरह की बसेस होती हैं एक तो स्टेज है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज स्टेज कैरेज क्या होता है जो विद इन द सिटी मेरी ट्रैवल करते हैं स्टेजेस में तो लेट से जैसे मैं बातें कर रहा था कि आपको प्रीत विहार से लेकर वसंत विहार तक जाना है ठीक है प्रीत विहार इज इन ईस्ट डेली वसंत विहार इज इन साउथ डेली जब आप प्रीत विहार से चढ़ते हैं तो अलग अलग स्टॉप पड़ते हैं जैसे प्रीत विहार के बाद लक्ष्मी नगर आता है लक्ष्मी नगर के बाद आई का स्टॉप आता है आई के बाद लेट से मंडी हाउस आता है ठीक है इस तरीके से स्टेजेस में ये अपने ये बस रुकती है ठीक है फिर वहां से उस स्टॉप से लोग फिर बोर्ड करते हैं बस को फिर आगे जाती है मतलब ये अपनी जर्नी फ्रॉम वन पॉइंट टू लास्ट पॉइंट तक स्टेजेस में पूरा करती है रुक रुक कर लोग चढ़ते हैं लोग उतरते हैं बस इससे से दैट वी कॉल्ड स्टेज कैरेज दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस होती है मेनली जो सिंगल एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक चलती है बीच में वो लोगों को रुकना जरूरी नहीं होता है लेट से यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम डेली टू देहरादून ठीक है तो आप दिल्ली से देहरादून अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो दैट वी कॉल कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस ओके कमिंग बैक सो so लेट्स से आप रोड से ट्रैवल कर रहे हैं बाय बस तो स्टेज बेज अगर आप ट्रैवल करते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरा वही एग्जाम्पल है फ्रॉम विहार विहार टू वसंत अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो दो तरह की बसेस अवेलेबल है एसी बस नॉन ए सी बस ठीक है एसी बस है ना रेड कलर की बसेस हैं डेली में ठीक है एसी बसेज हैं नॉन एसी बसेज भी हैं तो अगर आप नॉन ए सी बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा आपसे सिर्फ आपसे Uh, uh, किराया चार्ज किया जाएगा टिकट का प्राइस चार्ज किया जाएगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा बट इन केस अगर आप वही जर्नी एसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो दैट इज एन ए सी बस तो दैट इज टेक्सीबल स्टेज कैरेज अगर ए सी बस है तो टेक्सीबल होगा ठीक है नॉर्मल नॉन ए सी है तो एक्जेक्ट होगा अब देखो लॉजिकली भी समझिए ना ठीक है अब ऐसा नहीं है कि सारे लोग अमीर आदमी या मिडिल क्लास आदमी ट्रैवल करते हैं जो लोग बहुत गरीब हैं उनको भी ट्रैवल करना पड़ सकते हैं ठीक है दे आर

उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा बट एसी बस में अगर आप कोई भी ट्रेवल करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस में भी रहेगा एसी बस में आप ट्रेवल कर रहे हो तो टैक्सेबल रहेगा बट अगर नॉन एसी में ट्रैवल कर रहे हैं आप लेट से फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून आप जा रहे हैं नॉन एसी बस में तो जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है आपने टिकट लिया उसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा लेट से आप दिल्ली टू आगरा ट्रैवल कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा या फिर आप मुंबई टू गोवा ट्रैवल कर रहे हैं नॉन ए बस में तो जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है बट अगर ये एसी बस है तो लग जाएगा बट फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि कभी कभी ना हम किसी बस को चार्टर कर लेते हैं हायर कर लेते हैं लेट uh, से किसी की घर uh, में शादी है ठीक है किसी के घर में शादी है लड़के की शादी है उस घर में तो उनको uh, बारात लेकर जाना है ठीक है बरात लेकर अपने गेस्ट वगैरह को लेकर जाना है दूसरी uh, जग, uh, सिटी में लेट से uh, मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि uh, बेंगलोर में uh, से जाना है लेट से मैंगलोर तक ठीक है बेंगलोर से मैंगलोर तक जाना है तो इन केस वो अपने गेस्ट वगैरह को लेकर जाएंगे ठीक है और अभी ज़्यादा गर्मी नहीं है ठीक है नॉर्मल अच्छा सीजन चल रहा है तो नॉन एसी बस को हमने हायर कर लिया नॉन एसी बस को हमने हायर कर लिया उस केस में अगर आप नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज को हायर कर लेते हैं या चार्डर्ड कर लेते हैं या टूअर पर्पज़ के लिए उस केस में तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा बट अगर आप अपना इंडिविजुअल टिकट खरीद खरीद रहे हैं जैसे मेरा पुराना एग्जाम्पल अगर आप डेली टू देहरादून ट्रैवल कर रहे हैं अपना इंडिविजुअल टिकट खरीद के नॉन ए बस में तो टैक्स नहीं लगेगा तो अगर ये ए सी कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस है ऑलवेज टेक्सीबल नॉन ए सी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एग्जेम्ट बट टूरिज्म पर्पज टूअर पर्पज चार्टर या हायर कर लिया तो फिर टेक्सीबल हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया बसेस के लिए कैसे करेंगे आप या फिर रोड से आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं कार से कार से मतलब आ, फॉर एग्जाम्पल आपने ओला या उबर बुक कर ली है ठीक है या फिर नॉर्मल टैक्सी जो मीटर्ड कैब होती है वो आपने बुक की है या फिर आप ऑटो में ट्रैवल करते हैं रिक्शा में ट्रैवल करते हैं इट कुड बी ई रिक्शा ऑल्सो ठीक है आप रिक्शा ठीक है कार ऑटो या रिक्शा में ट्रैवल करते हैं तो क्या जीएसटी लगेगा तो अगर वो मीटर्ड अगर कार है तो मीटर्ड कैब है मीटर कैब समझते हैं जिसमें मीटर लगा होता है या ऑटो रिक्शा है या फिर रिक्शा है या ई रिक्शा है ठीक है रिक्शा जो हैंड पुल करके वो लोग मैनुअली ले जाते हैं या फिर ई रिक्शा आजकल चलते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा तो मीटर्ड कैब ऑटो रिक्शा या फिर ई रिक्शा मैंने ई भी लिख दिया है ठीक है रिक्शा नॉर्मल रिक्शा या ई रिक्शा है ये सब एक्सैम्ट है ठीक है तो ऑटो से ट्रैवल करेंगे तो सिर्फ अपना किराया दीजिएगा जितना भी आपका बना है डिस्टेंस का जीएसटी नहीं चार्ज होगा बट हाँ अगर आपने ओला कैब उबर कैब ठीक है कैब आपने बुक की थी ट्रैवल करने के लिए चाहे वो एसी हो या फिर वो नॉन एसी हो दोनों केसेस में जीएसटी लग जाएगा ठीक है याद रहेगी रोड वाली दोबारा तो से एक बार रिपीट करता हूं बस में अगर आप ट्रैवल करेंगे बहुत सिंपल सी बात है नॉन एसी बस में जीएसटी नहीं लगेगा एसी बस में जीएसटी लग जाएगा बट नॉन एसी बस में अगर आपने उस पूरी बस को चार्टर या हायर कर लिया या टूरिस्ट पर्पज के लिए आप जा रहे हैं तो उस केस में तो जीएसटी फिर उस केस में लग जाएगा ठीक है देखो टूरिस्ट पर्पज के लिए तो एक तरीके से भी लग्जरी हो लग्जरी हो गई ना ठीक है तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम लोग एग्जेम करते थे बट लग्जूरियस चीजों के लिए तो एग्जेट नहीं कर सकते ठीक गा, गा, है मीटर्ड कैब ठीक है आपने कैब्स देखी होंगी जैसे दिल्ली में होती हैं अब तो आजकल बहुत कम चलती है मीटर्ड कैब बट फिर भी कुछ चलती हैं एम्बेसडर देखी होंगी आपने ठीक है येलो और ब्लैक कलर में ठीक है मीटर लगा होता है उस कार में एम्बेसडर में जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है ऑटो रिक्शा ई रिक्शा वगैरह पर जीएसटी नहीं है रेडियो टैक्सी या फिर कैब्स के ऊपर जीएसटी है रेलवे से ट्रैवल करेंगे ठीक है रेलवे से ट्रैवल करेंगे अब डिपेंड करता है कि आप इंडियन रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं ठीक है थीके? अगर मेट्रो से ट्रैवल करते हैं अब देखो देखिए दिल्ली मेट्रो है फॉर एग्जांपल अब मेट्रो से अमीर आदमी गरीब आदमी हर कोई ट्रैवल कर सकता है तो वहां पर हम जीएसटी नहीं लेंगे ठीक है मेट्रो है कुछ जगह पर मोनो रेल है मुंबई ट्राम वे है कैलकटा तो यहां पर नॉर्मली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए काम आते हैं तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा तो मेट्रो मोनो रेल ट्रामवे से अगर आप ट्रैवल करेंगे जीएसटी नहीं लगेगा इंडियन रेलवे कब लेते हैं जब आपको दूसरे शहर में जाना होता है ठीक है दूर जाना होता है तो आप इंडियन रेलवे के थ्रू ट्रैवल करते हैं और अगर आप बहुत अच्छे से ट्रैवल करना चाहते हैं मतलब फर्स्ट क्लास में या एसी क्लास में तो आप जीएसटी दीजिए बट अगर आप नॉर्मल क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं स्लीपर क्लास हो गया जनरल क्लास हो गया उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है तो इंडियन रेलवे से ट्रैवल करेंगे फर्स्ट क्लास या एसी कोच में ट्रैवल करेंगे तो टेक्सेबल होगा स्लीपर या जनरल या अदर कोचेज में ट्रैवल करेंगे विच इज नॉन ए सी इज नॉट फर्स्ट क्लास उस केस में एग्जाम रहेगा ठीक है एसी कोच कौन से होते हैं ठीक है टू टायर थ्री टायर सब ए सी कोच होते हैं फर्स्ट क्लास तो यहां पर लिखा ही हुए ठीक है नॉन ए सी में अगर ट्रेवल कर रहे हैं आप ठीक है स्लीपर में या जनरल क्लास में उस केस में एग्जेम रहेगा ठीक है सबको समझ में आ गया बहुत आसान बातें चल रही हैं वाटर से अगर आप ट्रैवल करते हैं ठीक है वाटर से ट्रैवल कर रहे हैं अगर आप इनलैंड वाटरवेज इनलैंड वाटरवेज मतलब रिवर में या लेक में जब ट्रैवल करते हैं जैसे कि बैक uh, वाटर्स में केरला में बैक वाटर्स हैं या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी को आ, ये रिवर है ठीक है इस जगह से उस जगह पर जाना होता है तो वो यहाँ पर बोट होती है बोट में ट्रावल करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऋषिकेश का के एग्जाम्पल लेता हूँ ऋषिकेश ठीक है तो ऋषिकेश में यहाँ पे गंगा है ठीक है इस जगह से इस जगह पर लोगों को आना होता है तो वहां पर वो बोट में ट्रैवल करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ पर या फिर तो वो राम झूला है लक्ष्मण झूला है उसके थ्रू आप जा सकते हैं या फिर अगर आपको बोट में जाने जाना है तो आप बोट में भी जा सकते हैं तो दैट इज इनलैंड वाटरवेज उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा तो वो बोट वाला आपसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा बट अगर आप सी में ट्रैवल कर रहे हैं बाय शिप ठीक है शिप ट्रैवल कर रहे हैं तो जीएसटी लग सकता है अब डिपेंड करता है वो शिप कैसी है ठीक है अगर वो शिप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बनी हुई है ठीक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बनी हुई है तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा बट इफ दैट वेसल अगर वो शिप या वेसल जिसको हम कहते हैं अगर वो टूरिस्ट पर्पज के लिए क्रूज है तो ऑब्वियसली लॉजिकल है ना फिर तो उसके ऊपर जीएसटी आप लगा लीजिए ठीक है तो इनलैंड वाटरवेज मतलब नॉर्मल आप आ, रिवर में या लेक में ट्रैवल कर रहे हैं बोट में जहां पे ट्रैवल करते हैं तो वो तो एग्जेम होगा बट अगर आप सी में ट्रैवल करते हैं समुद्र में ट्रैवल कर रहे हैं ठीक है वेसल्स के थ्रू तो अगर वो टूरिज्म पर्पज वेसल है तो टेक्सीबल है बट अदर देन टूरिज्म पर्पज है मतलब जो नॉर्मल वेसल है जहां पर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह अगर यूज करते हैं उसको तो दैट इज एग्जेम्ट ठीक है मतलब देखिए लॉजिक क्या आ रहा है कि मेनली जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रहता है वो चीजें एग्जेम रह सकते हैं क्योंकि वहां पर हर तरह का इंसान ट्रेवल करेगा तो हम जीएसटी वहां पर नहीं लगा सकते हैं ठीक है ना समझ में आ रहा है सबको बाय एयर ट्रेवल करेंगे तो बॉस जीएसटी देना पड़, पड़ेगा देखियो एयर तो अगर आप एयर के थ्रू आप अफोर्ड कर रहे हैं तो जीएसटी आप दे सकते हैं तो बाय एयर अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो जीएसटी देना पड़ेगा हाँ कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां से आप ट्रैवल करें या फिर वहां पर आप उतरते हैं ठीक है ठीक है वेदर यू बोर्ड और एम्बाक ठीक है आपकी जर्नी ऐसे एयरपोर्ट से शुरू हो रही है ऐसे एयरपोर्ट पर खत्म हो रही है ठीक है आप यहां से चल रहे हैं एम्बाकिंग हो रही है या टर्मिनेट हो रही है आपकी जर्नी कैसे एयरपोर्ट पर जो सिचुएटेड है इन द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम एंड नागालैंड मतलब हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड ठीक है अगर यहां पर कोई एयरपोर्ट सिचुएटेड है इन स्टेट्स में यहां से वेदर यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी और यू आर टर्मिनेटिंग योर जर्नी इन एनी ऑफ द दीज एयरपोर्ट्स तो उस केस में एग्जम्प्ट रहेगा बाकी सभी एयरपोर्ट्स से टेक्सेबल रहेगा ठीक है अच्छा ये एग्जाम में भी आ सकता है क्योंकि जब पहले सर्विस टैक्स होता था ना जीएसटी से पहले तब ये एग्जाम थे बट नाउ दे आर टैक्सेबल ये टैक्सेबल है आ, जैसे आप केबल कार या रोप वे या एरियल ट्राम वे से अगर ट्रैवल करते हैं तो ये टैक्सेबल हो जाता है ये क्या होता है जैसे आपने हिली एरिया में देखा होगा ठीक है हिली में देखा होगा कि रोप वे होती है ठीक है रोप से और उसमें ट्रॉली में आप ट्रैवल करते हैं ठीक है स्पेसिफिकली हरिद्वार वगैरह में मैंने ये देखा है कि लोग इस तरीके से भी ट्रैवल करते हैं फॉर एग्जाम्पल उनको वहां पर किसी बहुत ऊंचाई पर एक मंदिर है उनको वहां पर जाना है तो अगर आप इस तरीके से रोप वे केबल कार या एरियल ट्रांवे करेंगे तो दे विल चार्ज यू द अमाउंट प्लस जीएसटी दैट इज टेक्सेबल ठीक है ये याद रखिएगा ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं पहले पुराने सर्विस टैक्स में एग्जाम होता था बट अब नहीं है जीएसटी में टेक्सेबल है ठीक है तो वी आर डन विद पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस सबको समझ में आ रहा है नाउ कमिंग टू गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेस ठीक है अब गुड्स भी कैसे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना तो वो भी यही मोड से हो सकते हैं ठीक है रोड्स के थ्रू हमारे ट्रक के थ्रू हमारे गुड्स जा सकते हैं ठीक है वाटर के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं रेलवे के थ्रू रेलवे, रेलवे के लिए अलग हमें पता है ठीक है रेल ट्रेन होती है वहां पर हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं प्लस गुड्स का एक और जगह है एक और तरीका है पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट करने का ठीक है जैसे आपको पता है पाइपलाइंस होती हैं तो उनके थ्रू भी गुड्स जा सकते हैं तो एक और यहां पर एक्स्ट्रा है पाइपलाइंस ठीक है पाइपलाइंस के बारे में बातें करेंगे गुड्स जनरली जनरली मैं आपको बता दूं जनरली ट्रांसपोर्ट करने पर ना टैक्स लग जाता है जनरली लग जाता है बट कुछ केसेस में बस नहीं लगता है रेलवे से आप ट्रैवल अगर आपने गुड्स भेजते हैं तो टैक्सेबल होगा सर रेलवे एसी नॉन एसी अरे गुड्स के लिए एसी नॉन एसी क्या चाहिए भाई ठीक है गुड्स तो नॉर्मल ट्रेन में भी जा सकते हैं हाँ अनल वो बहुत पेरिशेबल गुड्स हैं तो हो सकता है कुछ पर्टिकुलर उसके लिए ए चाहिए होगा बट जनरली नॉन ए तो ए नॉन ए देखना ही नहीं है गुड्स के लिए रेलवे के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं गुड्स का तो टैक्सेबल कर दीजिएगा बाई एयर भी हो रहा है तो जनरली टेक्बल रहेगा जनरली टेक्सीबल रहेगा कुछ एक्सेप्शन है जो, हम discuss करेंगे। जो examiner भी आपसे पूछ सकता है Inland water के के मतलब वो बोट के कर रहे हैं तो रहता है बोट के थ्रू अब देखो बहुत लॉजिकल है जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये ऋषिकेश वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था ये गंगा है ठीक है यहां पर ही गंगा है अब फॉर एग्जाम्पल इस जगह से इस जगह पर आपको ठीक है इस जगह से लेकर इस जगह पर अपने गुड्स लेकर जाने हैं ठीक है गुड्स लेकर जाने हैं तो आप बोट वाले से कहते हैं कि भैया मेरे गुड्स यहाँ पर पहुँचा देना अब वो इंग्लैंड वाटरवेज है अब तो उसको इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करना चाहिए उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करना चाहिए और सिमिलरली एक और लॉजिक बन जाता है फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी शहर में रहते हैं जिस भी शहर में आप रहते हैं ठीक है एक दो किलोमीटर दूरी आपको गुड्स पहुँचाने हैं अपने गुड्स पहुंचाने आपने कोई नॉर्मल रिक्शा या ई रिक्शा ले लिया आपने बोला कि भैया मेरे गुड्स वहां पर पहुंचा दीजिए तो क्या वो रिक्शे वाला आपसे जीएसटी चार्ज करेगा द तो आंसर इज नो ठीक है उस केस में वो नहीं करेगा हां अगर आप किसी जी की सर्विसेज लेते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज लेते हैं तो उस केस में आप एक ट्रक हायर कर रहे हैं उस केस में आपके ऊपर जीएसटी लग जाएगा कुरियर के थ्रू कराते हैं तो भी जीएसटी लग जाएगा ठीक है मैं सब कुछ एक साथ बता रहा हूं मैं लॉजिक बता रहा हूं आप लोगों को जिससे कि आपको एकदम याद ना करना पड़े तो लॉजिक आपको समझ में आए कि आप छोटे मोटे अगर ट्रैवल करा रहे हैं किसी को ई रिक्शा के थ्रू या रिक्शा के थ्रू अगर गुड्स भेज रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए उसके ट्रक वगैरह हायर कर रहे हैं तो लगेगा कुरियर कराना चाहते हैं तो पक्का देखिए कुरियर कराने जाएंगे तो पक्का जीएसटी लग जाता है तो रोड वाला कर ले पहले रोड में जीएसटी नहीं लगाएंगे बट सिर्फ कब लगाएंगे जीटीए के थ्रू अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की मदद ले रहे हैं आप या फिर कोरियर से अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं गुड्स का तो टैक्सेबल हो जाएगा अदर मोड से एग्जेम रहेगा अदर मोड क्या हो सकते हैं रोड के सर हमने एक रिक्शे वाले भैया को बोला कि मेरे गुड्स पहुंचा दीजिए दूसरी जग, आ, एक जगह से दूसरी जगह पर तो जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है तो रोड के थ्रू सब लोग समझ गए जीटीए और कुरियर आएगा तो टैक्स करना है बाकी दूसरे मोड से टैक्स नहीं करेंगे रेलवे के थ्रू हमेशा टैक्सेबल होगा इनलैंड वाटरवेज याद रहेगा मेरा ऋषिकेश वाला एग्जाम्पल एक जगह से एक आ, क्या कहते हैं उसको गंगा के इस तरफ नदिया के पार पहुंचाना है आपको ठीक है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है तो जीएसटी नहीं लगेगा पाइपलाइन के थ्रू अगर आप अपने गुड्स को भेजते हैं तो ये टैक्सेबल होगा देखो पाइपलाइन बिछाने में बहुत समय लगता है ठीक है जैसे आपने देखा होगा आयरन ओर के लिए पाइपलाइन बन गई है तो वो उससे अगर आपका आयरन ओर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा ठीक है या कुछ भी चीज पाइपलाइन के थ्रू या अदर कंड्यूट्स के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो टैक्सेबल हो जाएगा बाय एयर और वेसल समझिएगा एयर और वेसल मैं आपको जनरली बता दूं जनरली टैक्सेबल है विद इन इंडिया अगर आप विद इन इंडिया अगर अपने गुड्स भेजते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आप अपने गुड्स फ्रॉम अहमदाबाद अहमदाबाद से आप अपने गुड्स भेज रहे हैं लेट से नासिक ठीक है अहमदाबाद से गुजरात से आप महाराष्ट्र भेज रहे हैं अपने गुड्स बाय एयर ठीक है इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा बाय एयर विद इन इंडिया तो भेजेंगे टैक्स लगेगा वेसल के थ्रू भी टैक्स लगता है तो विद इन इंडिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है टैक्स लगेगा बट अगर आप के गुड्स इंडिया के बाहर से फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया आप देखो किस तरीके से गुड्स ट्रेवल कर सकते हैं इंडिया के बाहर से आपके गुड्स आ, आ रहे हैं इंडिया के बाहर से गुड्स आ रहे हैं तो यहां पर अगर बाय एयर आ रहे हैं तो एग्जेप्ट है वेसल आ रहे हैं तो टैक्सेबल है ठीक है बाय एयर को एग्जेप्ट क्यों किया गया क्योंकि बाय एयर का वैसी किराया ज्यादा है बाहर से गुड्स आ रहे हैं इंडिया में ऊपर से जीएसटी भी लगाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा वेसल का किराया जनरली कम होता है मेनली बेसिक यहां पर लॉजिक यही है कि अगर आपके गुड्स बाहर से इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया सब लोग समझ गए फ्रॉम आउटसाइड टू इंडिया ठीक है इंडिया में आ रहे हैं आपके गुड्स तो बाय एयर आ रहे हैं तो एग्जेप्ट कीजिएगा महंगा होता है ऐसे याद रखिएगा बाय एयर महंगा होता है एग्जेम्ट है वेसल के थ्रू आ रहे हैं टेक्सीबल हो जाएगा अब उल्टा हो सकता है इंडिया से आप बाहर जा रहे हैं ठीक है थीके, इंडिया से आप बाहर जा रहे हैं गुड्स आपके मतलब तो मेनली आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उस केस में एग्जेप्ट किया हुआ है ठीक है इसकी डेट बढ़ाई भी गई है अब ये 30 सितंबर 2021 तक एग्जेप्ट रहेगा थर्टी एथ सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी रहेगा यानी कि हमारे ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए इसको एग्जेम करना है ठीक है सब लोग समझ गए हैं मैंने बाय एयर या वेसल में तीन चीजें यूज की हैं सबसे पहले इंडिया के बाहर से इंडिया आ रहे हैं गुड्स बाय एयर से आ रहे हैं तो एग्जेम करिएगा एयर का किराया वैसे ही महंगा था ठीक है वेसल से आ रहे हैं टैक्सेबल कीजिएगा विद इन इंडिया ट्रेवल कर रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है टैक्स लगा दीजिएगा ठीक है विद इन इंडिया सर बाय एयर कर रहे हैं जैसे कि मैंने कहा अभी अहमदाबाद से नासिक ठीक है सर वेसल से कैसे कर सकते हैं अरे कर सकते हैं आपने केरला से फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार पहुंचाया तो ये भी विद इन इंडिया ही हो गया बट हाँ बीच में इंडियन ओशन था तो उसके थ्रू आपने बाय बाईवेसल ट्रांसपोर्ट कराया टेक्सीबल कर दीजिएगा बट अगर फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया इंडिया से बाहर जा रहे हैं गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है ठीक है इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ले रहे हैं तो इसको एक्जेम्ट किया हुआ है डेट भी इंक्रीज कर दी है अपटू थर्टी सितंबर 2021 ठीक है अब मुझे बताइए अब इंपॉर्टेंट बात है जो आपके एग्जाम में आती है रेलवे से गुड्स जाएंगे रेलवे से गुड्स जाएंगे करोगे हाँ, हाँ करेंगे ठीक है जीटीए के थ्रू जाएंगे हाँ करेंगे सर बट कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसको हम टैक्सेबल नहीं करते कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसको हम टैक्सेबल नहीं करते चाहे वो रेलवे से जाएं, वेसल से जाएं या जीटीए के थ्रू जाए क्योंकि ऐसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना ठीक है इमरजेंसी थी या फिर ये ऐसे गुड्स हैं जो जनरली आम लोगों के लिए होते क्योंकि देखो जितना ज्यादा टैक्स लगेगा बीच में उतनी चीजें वो महंगी भी हो जाएंगी तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो ऐसी चीजें महंगी ना हो मेनली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं चाहे बाय रेलवे कर रहे हैं या फिर बाय जीटीए के खर, कर रहे हैं इन, इवन वेसल के थ्रू कर रहे हैं तो भी हम जीएसटी नहीं लगाएंगे उस केसेस में तो रेलवे के थ्रू हम जानते हैं जनरली हम जीएसटी लगाते हैं ठीक है जीटीए के थ्रू हम जनरली जीएसटी लगाते हैं बट अगर आप ऐसी चीजें ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं रिलीफ मटेरियल फॉर नेचुरल डिजास्टर कहीं विक्ट अर्थक्वेक आ गया या कोई और नेचुरल डिजास्टर हो गया है वहां के विक्टिम्स के लिए हमें कुछ सामान पहुंचाना है ठीक है जैसे हिंदी में इसको कहते हैं प्राकृतिक आपदा ठीक है नेचुरल डिजास्टर हो गया वहां पर हम लोगों को ये चीजें पहुंचानी है तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रजिस्टर्ड न्यूज पेपर या मैगज़ीन्स, मैगज़ीन्स या न्यूज पेपर विच आर रजिस्टर्ड ठीक है तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि बुक्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बुक्स आर नॉट न्यूज पेपर बुक्स आर नॉट मैगजीन जीएसटी लगेगा सर बुक्स के ऊपर तो जीएसटी नहीं लगता अरे बुक्स बेचने के ऊपर जीएसटी नहीं लगता बट बुक्स के ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर तो लगता है ना ठीक है ऐसी छोटी छोटी चीजों पर एग्जामिनर आपकी नॉलेज देखता है कि आपको कितनी अच्छी नॉलेज है ठीक है तो न्यूज़पेपर पर जीएसटी नहीं लगेगा मैगजीन्स पर जीएसटी नहीं लगेगा बुक्स के ट्रांसपोर्टेशन पर जीएसटी लग जाएगा हाँ जी रेलवे इक्विपमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कराएं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कराएं ऑर्गेनिक मेन्यूर कराएं जीएसटी नहीं लगेगा दो और इंपॉर्टेंट बात जीटीए के थ्रू अगर आप कुछ कोई भी गुड्स कराएं बट उससे टोटल जो कैरेज का टोटल पूरे कैरेज का अगर जो हमसे किराया लिया जा रहा है वो 1500 तक लिया जा रहा है तो पंद्रह सौ रुपए तक तो जीएसटी नहीं लगता है या फिर ये तो पंद्रह सौ था पूरे ट्रक का में से जो किराया लिया जा रहा है वो पंद्रह सो ज्यादा नहीं है या फिर अगर उस ट्रक में अलग अलग लोगों का सामान रखा हुआ है और हर व्यक्ति से साढ़े सात सौ रुपए से ज्यादा नहीं लिए जा रहे हैं पर कंसाइनी तो भी जीएसटी नहीं लगता याद आ गई ये दोनों बातें है फिफ्टीन और सेवन वाली ठीक है जीटीए सर्विसेज अगर जीटीए सर्विस देती है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अच्छा याद करिए आरसीएम में हम लोग पढ़ते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देखिए थोड़ा सा लिंक करा रहा हूं आपको वहां जाके जीटीए की सर्विसेज सर्विजीटी की सर्विसेज आरसीएम पर भी टैक्सेबल होती है अगर हम किसी फैक्ट्री को किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन वगैरह को कॉपरेटिव सोसाइटी को कंपनी वगैरह को इनको देते हैं तो आर सी एम पे टैक्सेबल होती हैं ठीक है बट अगर हम जी टी ए की सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं तो फिर वहां पर अनरजिस्टर्ड से तो आर सी एम नहीं ले सकते उस केस में एग्जेप्ट हो जाती हैं और जी टी ए अगर सर्विसेज दे रहा है अगेन इंपॉर्टेंट अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये बात हमने आर सी एम में भी पढ़ते हैं अपने रेगुलर क्लास में अगर जीटीए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए रजिस्टर्ड है क्योंकि उसको टीडीएस डिडक्ट करना है ठीक है है उसको टीडीएस डिडक्ट करना तो उस केस में अगर इफ दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज ओनली रजिस्टर्ड फॉर द ऑफ तो फिर उसके ऊपर भी हम जीएसटी नहीं लगाते हैं ठीक है याद रहेगा जीटीए है जीटीए सर्विसेज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो सिर्फ इसलिए रजिस्टर्ड है क्योंकि उसको टीडीएस लगाना था तो इसके ऊपर भी हम जीएस जीटीए की जब सर्विसेज देंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है नेक्स्ट पर आ जाइएगा एजुकेशन एजुकेशन रिलेटेड रिलेटेड सर्विसेज सर्विसेज यानी कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चों को स्कूल भेजा जाता है या कॉलेज भेजा जाता है तो उनके ऊपर क्या जीएसटी लगेगा द आंसर इज नो तो जो भी ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कुड बी स्कूल्स स्कूल्स का मतलब प्री स्कूल भी चलेगा ठीक है छोटे बच्चों का स्कूल भी चलेगा किंडर गार्डन वगैरह भी चलेंगे कॉलेजेस ठीक है कॉलेजेस अगर ऐसा कोर्स प्रोवाइड कर रहे जो recognized हो जो कि रिकोगनाइज हो कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो इन सबको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में ही लेते हैं प्लस या वोकेशनल कोर्सेज है अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं तो अगर ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं सर एजुकेशन की बच्चों को एजुकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अच्छा क्या बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं आंसर इज यस क्या स्कूल के स्टाफ को या फैकल्टी मेंबर्स को भी ये सर्विस दे सकते हैं स्कूल हाँ हमें देख हमने देखा है कि स्कूल आ, बस में जब स्कूल बस चलती है तो वहां पर बच्चे भी ट्रैवल करते हैं और कुछ टीचर्स होती हैं वो भी स्कूल बस में आती हैं तो इसका मतलब स्कूल उन टीचर्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ठीक है उनसे कुछ पैसे भी लेते हैं वो लोग ठीक है स्कूल चाहे पूरे नहीं लेगा नॉमिनल फीस लेगा या नहीं लेगा वो अलग बात है ठीक है मैं मान लेता हूँ थोड़ा बहुत पैसे वो ले रहे हैं क्या उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे द आंसर इज नो उनसे सिर्फ फीस ही चार्ज की जाती है जीएसटी नहीं लगाते तो अगर स्कूल सर्विसेज बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्योंकि मुझे यहां पर दो बातें करनी है कि फॉर एग्जाम्पल ये स्कूल है स्कूल जो सर्विसेज देता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा और प्लस स्कूल जो सर्विसेज रिसीव कर रहा है ठीक है कोई और कोई थर्ड पर्सन अगर स्कूल कॉलेजेस वगैरह को सर्विसेज दे तो हम उसकी बातें भी यहां पर करेंगे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्विसेज देते हैं पढ़ाने की या ट्रांसपोर्टेशन की मिड डे मील्स वगैरह और नीचे लिखा हुआ है सर्विसेज टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हम थर्ड पर्सन से स्कूल सर्विसेज रिसीव करता, या करता है या कॉलेज सर्विसेज रिसीव करता है यूनिवर्सिटी सर्विसेज रिसीव करती हैं उसके बारे में भी बातें करनी है बट सबसे पहले सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ठीक है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन सर्विस देता है मेनली पढ़ाने की ठीक है ट्रांसपोर्टेशन की मील सर्विसेज वगैरह दे सकता है तो अगर ये सर्विसेज दे रहा है किसी भी तरह की सर्विसेज इट कुड बी मील सर्विसेज बोर्डिंग लॉजिंग कोई भी सर्विसेज दे रहा है स्टूडेंट्स को फैकल्टी मेंबर्स को या स्टाफ को तो है। है बट स्कूल अगर किसी तीसरे व्यक्ति को सर्विसेज दे रहा है इनके अलावा स्टूडेंट्स, फैकल्टी स्टाफ के अलावा किसी को फॉर एग्जाम्पल स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल ने अपना ऑडिटोरियम किराए पर दे दिया किसी को ठीक है या फिर किसी के वेडिंग है वेडिंग के लिए उन्होंने अपना ग्राउंड किराए पर दे दिया ऐसा कर देते करते हैं स्कूल्स ठीक है उनके पास स्पेस अवेलेबल है वो लोग इस तरीके से उनको अगर रेंट पर दे देते हैं तो दैट वुड बी अगर others, अगर सर्विसेज टू अदर्स इन लोगों ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने सर्विसेज दी किसी और व्यक्ति को तब टेक्सीबल कर दीजिएगा याद रहेगा इंपॉर्टेंट बातें हैं या फिर ये लोग कैसे सर्विसेज दे रहे हैं कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन सर्विसेज होता है कि कुछ लोगों को अपने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं और वो स्कूल प्रोमाइस या कॉलेज प्रोमाइस को रेंट पर ले लेते हैं फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सो इन लोग इन चीजों के लिए भी फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा ठीक है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं वो आप जानते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो लोग प्रोवाइड करते हैं रिकोगनाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड प्लस ये लोग अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं दे आर आल्सो कवर्ड ठीक है प्राइवेट uh, इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो दैट इज टैक्सेबल वो टैक्सेबल है आप कहीं से भी प्राइवेट कोचिंग लेते हैं आपने पेन ड्राइव परचेज की ठीक है गूगल ड्राइव परचेज करी है तो उसके ऊपर भी जीएसटी होगा ठीक है सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि जो हम सर्विसेज रिसीव करते हैं अगर हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो हम लोग बहुत लोगों से अलग अलग तरह की सर्विसेज लेते हैं कुछ सर्विसेज एग्जेप होंगी बाकी सर्विसेज टेक्सेबल होंगी ठीक है तो अगर स्कूल्स किस तरह की सर्विसेज लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स के लिए किसी भी स्कूल को अपने स्टूडेंट्स के लिए बसेस चाहिए तो उन्होंने किसी बस ऑपरेटर से कॉन्टेक्ट किया कि आप हमें फाइव या टेन बसेस प्रोवाइड कराइए तो वो लोग जब सर्विसेस हम, हम लोगों को पता है ना हम लोगों ने देखा था कि अगर हम कोई भी बसेस चार्टर पर या हायर पर लेते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी होता है बट इन केस वी आर स्कूल और हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज के लिए किसी से बसेस वगैरह हायर कराते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए फैकल्टी के लिए स्टाफ के लिए दैट इज एक्सम हम एक स्कूल हैं और हम एक केटरिंग सर्विसेज लेते हैं केटरिंग सर्विसेज लेते हैं तो एग्जेप्ट होगा सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं हमारे स्कूल में या हाउस कीपिंग क्लीनिंग सर्विसेज एक्ज होंगी बट रिसीवर uh, कौन है स्कूल्स कॉलेजेस नहीं कॉलेजेस अगर लेंगे तो टेक्सीबल है दिस इज फॉर स्कूल्स के लिए एक्सम्ड है कॉलेजेस के लिए क्या एग्जाम होगा दिस इज इंपॉर्टेंट तो आपको देखना होगा मैंने अलग अलग बॉक्सेस बना दिए हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए कि कौन सी सर्विसेज स्कूल्स लेगा तो एक्ज होगा कौन सी सर्विसेज कॉलेजेस लेगा कॉलेजेस अगर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जर्नल्स या प्रॉनिकल्स प्रिंट करवाता है किसी से तो दैट इज एग्जेम्ट और बाकी लोग सभी इंस्टीट्यूशन के लिए अगर ये किसी भी तरह की सर्विसेज रिसीव करते हैं इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ देयर एग्जामिनेशन या एडमिशन इन देयर कॉलेज या स्कूल इनके लिए अगर ये सर्विसेस लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्ट उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है सो दिस वॉज अबाउट एजुकेशनल रिलेटेड सर्विसेज इससे ही बिल्कुल सिमिलर है स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज मैंने उसको भी इसी के साथ कवर कर लिया है तो ऑल्दो दिस इज नॉट टेंट so अगर आप उसे एबीसी कराते हैं तो स्किल डेवलपमेंट सर्विस ए कैटेगरी में नहीं आता है बट स्टिल यू शुड हैव अफ आइडिया तो अगर बस इसका यह नाम याद रख लीजिएगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ठीक है नेशनल दोबारा से एक बार नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अगर ये लोग इस तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह ऑपरेट कर रहे हैं तो इनकी सर्विसेज के ऊपर टैक्स नहीं होगा ठीक है अगेन आई एम रिपीटिंग नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कौशल मींस स्किल ठीक है तो इस तरह के प्रोग्राम्स अगर हो रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर स्कीम तो ये भी एग्जेप्ट होगा ठीक है तो ये तो ईजी रहेगा नेक्स्ट पर आ जाइए अगेन इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन ऑल्सो लीगल सर्विसेज अगर हम किसी भी लॉयर से सर्विसेज लेते हैं तो लॉयर से सर्विसेज लें लीगल सर्विसेज लें या फर्म ऑफ लॉयर से सर्विसेज लें इवन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल से ठीक है जो लोग हमें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कराने में हेल्प करते हैं आर्बिट्रेटर्स तो अगर हम आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल से भी सर्विसेज लेते हैं तो दैट इज नॉर्मली एग्जेम्ट जनरली एग्जैम्ट होती हैं कौन कौन सी सर्विसेज अगर सर्विसेज रिसीव करता है कौन रिसीवर अगर गवर्नमेंट है ठीक है लीगल सर्विसेज गवर्नमेंट के कुछ केसेस हैं गवर्नमेंट लॉयर को हायर करती है ठीक है फर्म ऑफ लॉयर को हायर करती है सीनियर एडवोकेट को हायर करती है सीनियर एडवोकेट भी तो ये सर्विसेज एक्सम्ड होंगी रिसीवर अगर गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी है इज एक्जेम रिसीवर एक नॉन बिजनेस एंटिटी नॉन बिजनेस एंटिटी मतलब अगर हमने पर्सनल केस के लिए सर्विसेज ली ठीक है मेरा पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो मैंने कोई सर्विसेज ली तो दैट इज एक्ट नॉन बिजनेस एंटिटी अगर सर्विस लेगा अगर बिजनेस एंटिटी सर्विसेज लेते हैं और वो बहुत बड़ी बिजनेस एंटिटी नहीं है बहुत बड़ी या छोटी का क्या क्या क्राइटीरिया है अगर वो बिजनेस एंटिटी का टर्न इतना है कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है तो दैट इज

लेस देन द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट टेन ट्वेंटी फोर्टी एज द केस में भी तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं थी तो हमारे ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है ये याद रहेगा तो मैंने यहां पर बना दिया है कि ये सर्विसेज एग्जाम रहेंगी बट अगर एक, एक हम एक बड़ी बिजनेस एंटिटी है, बड़ी बिजनेस एंटिटी का मतलब लास्ट ईयर का टर्नओवर हमारा इतना था कि वो हम लायबल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए टेन ट्वेंटी फोर्टी एज द केस में भी तो उस केस में जीएसटी लगता है और वो भी रिवर्स चार्ज

नॉन बिजनेस एंटिटी है पर्सनल सर्विसेज लेते हैं या फिर एक छोटी बिजनेस एंटिटी है हम लीगल सर्विसेज लें किसी से भी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इंडिविजुअल एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट सीनियर एडवोकेट एग्जेम रहेगा ठीक है एक बड़ी बिजनेस एंटिटी है टैक्सेबल होगा आरसीएम बेसिस पर ठीक है बट कुछ बातें अलग सेपरेटली कर लेते हैं सीनियर एडवोकेट की या फर्म ऑफ एडवोकेट की अगर एक इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट नॉट अ सीनियर एडवोकेट अगर वो दूसरे एडवोकेट्स को सर्विसेज देता है या दूसरी फर्म को सर्विसेज देता है तो भी एग्जाम रहेगा बट सीनियर एडवोकेट सीनियर एडवोकेट अगर दूसरे एडवोकेट्स को या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विसेज देता है तब टैक्सेबल होगा पक्का सबको समझ में आ गया है तो बस यहां पर डिफरेंस था सीनियर एडवोकेट में और अदर एडवोकेट्स में ठीक है आई बिलीव आपको सीनियर एडवोकेट्स वगैरह पता है क्या होते हैं तो वो हम आ, रिविजन में डिस्कस नहीं कर पाएंगे ओके ठीक है सिर्फ याद कराने के लिए है पर्पज रिविजन का सर्विसेज बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट सर्विसेज देती है जनरल अगर आप मुझसे पूछें कि गवर्नमेंट अगर सर्विसेज देती है तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगाती है द आंसर इज जनरल आंसर इज नो कि गवर्नमेंट की सर्विसेज ठीक है गवर्नमेंट कैन बी सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी तो ये लोग जब सर्विसेज पंचायत ऑल्सो ठीक है ये लोग जब सर्विसेज देते हैं तो जीएसटी नहीं लगाते हैं तो जनरली सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्टेट लोकल अथॉरिटी वगैरह यूनियन टेरिटरीज वगैरह टेक्सेबल नहीं होंगी बट इनकी कुछ सर्विसेज टैक्सेबल होती हैं जब हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो पोस्ट ऑफिस की बेसिक सर्विसेज ठीक है आपको बेसिक आप स्टैंप खरीद रहे हैं या बेसिक पोस्ट करा रहे हैं तब तो जीएसटी नहीं लगता है, बट अगर आप स्पीड पोस्ट कराते हैं एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट कराते हैं इनकी एजेंसी सर्विसेज इंश्योरेंस सर्विसेज वो टैक्सेबल होती हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो स्पीड पोस्ट की सर्विसेज है एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट बिकॉज स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट इज समथिंग सेम एज कोरियर कोरियर की सर्विसेज पर टैक्स है तो ऐसी सर्विसेज पर भी टैक्स है बट अगर आप बेसिक मेल वगैरह की सर्विसेज लेते हैं तब टैक्स नहीं लगता है दूसरा अगर गवर्नमेंट uh, के पोर्ट्स है और वो एयरक्राफ्ट को या वेसल को किसी भी एयरक्राफ्ट कोई एयरक्राफ्ट था उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई उसको आ, हम ठीक कर रहे हैं इंडियन एयरपोर्ट में उसको ठीक किया जा रहा है विद इन द एयरपोर्ट या आउटसाइड द एयरपोर्ट या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा एयरक्राफ्ट है उसको लैंडिंग चार्जेस देने पड़ रहे हैं तो उन सबके ऊपर टैक्स होगा तो अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं इन रिलेशन टू तो एन एयरक्राफ्ट या वेसल इनसाइड या आउटसाइड द प्रिंट प्रिंट्स मतलब बाउंड्रीज ऑफ एयरपोर्ट या पोर्ट तो फिर टैक्सेबल हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर ये बातें हम कर चुके हैं अब देखिए हमने देखा एसी बसेस एसी बसेस टैक्सेबल होंगी अगर वो प्राइवेट बस है तो भी टैक्सेबल होगा अगर वो गवर्नमेंट बस है तो भी टैक्सेबल होगा रेलवे रेलवे तो गवर्नमेंट ही है ठीक है रेलवे अगर गुड्स के बारे में बातें कर लेते हैं गुड्स के लिए टैक्सेबल होता है तो यहां पर भी गवर्नमेंट इंडियन रेलवे ऑपरेट करती है टैक्सेबल होगा ठीक है तो ये सर्विसेस टैक्सेबल होती हैं इनके अलावा अगर गवर्नमेंट सर्विसेज दे किसी बिजनेस एंटिटी को अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे तो भी टैक्सेबल होती है तो भी टैक्सेबल होती है बट उसके लिए अगर और ये टैक्सेबल होती हैं रिवर्स चार्ज पर ये बात है हम लोग जानते हैं बट वही बातें बड़ी बिजनेस एंटिटी को ठीक है बड़ी बिजनेस एंटिटी को जिनकी रजिस्ट्रेशन रख जिनका टर्न ओवर लास्ट ईयर का इतना है टेन ट्वेंटी फोर्टी एज द केस में भी उससे ज्यादा की अगर ये बड़ी बिजनेस एंटिटी है तो वो भी टैक्सेबल होगा और साथ साथ दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये सर्विसेज दें तो फाइव थाउजेंड रुपीज तक की दें तो टैक्सेबल नहीं होता फाइव थाउजेंड रुपीज से ज्यादा की दें तो ही टैक्सेबल होगा याद आ गया ये फाइव थाउजेंड वाली बात भी ठीक है याद रखिएगा इसको सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अगर कोई व्यक्ति सर्विसेज देता है गवर्नमेंट को तो टैक्स लगेगा बट कुछ सर्विसेज ऐसी हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप जो uh, राशन की दुकानें होती हैं उन लोगों के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा जब वो सर्विसेज गवर्नमेंट को देती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा फंक्शंस Uh, under article 243, 234G and 243W, ये होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल functions. इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा याद आ रहे हैं आपको धीरे धीरे सारी बातें ठीक है कोई इंश्योरेंस इंश्योरेंस पर जीएसटी लगता है बट अगर पूरी ही पूरी प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रही है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर सर्विसेस देती है गवर्नमेंट को उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा इफ द एंटायर प्रीमियम इज पेड बाई गवर्नमेंट कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है तो अगर कोई भी कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो लोग अपने पैसे चार्ज कर रहे हैं बट सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट दे रही है तो वो हम गवर्नमेंट से जीएसटी नहीं लगाएंगे ठीक है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बाय एयर याद रखिए एक नाम वीएबिलिटी गैप फंडिंग वीएबिलिटी गैप फंडिंग याद रखिएगा तो यहां पर भी जीएसटी नहीं लगता है ठीक है और कुछ मिसलेनियस सर्विसेज हैं जैसे कि इशुएंस ऑफ पासपोर्ट आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं वीजा ड्राइविंग लाइसेंस बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए या फिर पासपोर्ट बनवाने के लिए जीएसटी नहीं लगेगा टेस्टिंग कैलिब्रेशन सेफ्टी चेक फॉर प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स कंज्यूमर और पब्लिक एट लार्ज इन लोगों के लिए गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाएगी अगर वो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इशू होते हैं ठीक है जो लोग फूड्स वगैरह के बिजनेस में उनको फूड uh, सिक्योरिटीज As per करने चाहिए। उनको ऑथराइजेशन लेना होता है जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू एन इंडिविजुअल फार्मर ठीक है right farmer, हमने इंडिविजुअल फार्मर को राइट uh, दे दिए कि वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर सकता है जीएसटी नहीं लगेगा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट टू अनदर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अगर एक गवर्नमेंट एंटिटी दूसरी गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विसेज देती है और उसके कंसिडरेशन किस फॉर्म में आती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट तो भी जीएसटी एस नहीं लगेगा ओल्ड एज होम की बातें कर चुके हैं हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ा था ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लीज याद रखेगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज पर मंथ पर मेम्बर चार्ज किया जा रहा है यहाँ तक तो जी नहीं है इससे ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है तो GST लग जाएगा ठीक है

सिर्फ यहां पर एक्सेप्शन क्या है फॉरेन रिजर्व मेंटेनेंस की सर्विसेज के ऊपर आरबीआई को अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं ठीक है ये लोग बाहर से सर्विसेज लेते हैं फॉर फॉरेन रिजर्व मेंटेनेंस उसके लिए टैक्स नहीं है अदरवाइज जो भी सर्विसेज जो आरबीआई को रिसीव होंगी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा ठीक है दोबारा से रिपीट करूं आरबीआई है ये ठीक है बहुत सिंपल सी बात आरबीआई जो सर्विसेज दे रहा है मेनली बैंक्स वगैरह को सर्विस देता है जीएसटी चार्ज नहीं करेगा बट आरबीआई अगर सर्विस रिसीव करता है तो जीएसटी लगेगा सिर्फ एक्सेप्शन है फॉरन रिजर्व मेंटेनेंस के लिए दूसरा अगर हम बैंक से फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट है ठीक है इट बी सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट कुछ भी है आपका किसी बैंक में अकाउंट है ठीक है

आपको फॉर एग्जाम्पल दो साल की स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट चाहिए बैंक आपसे पैसे लेगा इन सब चीजों पर बैंक आपसे जीएसटी भी चार्ज करता है तो अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या बैंकिंग सर्विसेज एग्जेम होती हैं सिर्फ वो सर्विसेज जिसकी कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट है या डिस्काउंट है डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट भी इट्स अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हम लोग पढ़ते हैं ठीक है इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस ठीक है मेरे पास एक बिल है मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है टेन थाउजेंड रुपीज़ का मुझे उसको डिस्काउंट कराना है मैं बैंक के पास जाता हूँ बैंक कहता है ठीक है आप नाइन्टी फाइव हंड्रेड रुपीज़ अभी ले सकते हैं और पांच सौ रुपए में मैंने बिल डिस्काउंट करा लिया तो फाइव हंड्रेड इज वॉट इट्स इंटरेस्ट ठीक है बिल सब लोग को समझते ना बी क्या होता है मुझे किसी पार्टी से बी मिला ठीक है वो कहता है कि मुझे तीन महीने के बाद बिल मैच्योर होगा बट मुझे पैसे की जरूरत अभी है मैं बैंक के पास जाता हूँ वो बिल लेकर बैंक मुझे कहता है कि ठीक है हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एटलीस्ट वो इंटरेस्ट नहीं कहते वो डिस्काउंट कहते हैं बट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इज सेम थिंग तो अगर बैंकिंग सर्विसेज कोई डिपॉजिट्स या लोन्स एंड एडवांसेज पर पैसे चार्ज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दैट इज ओनली एग्जैम वो एग्जेम्ट है बट बैंक्स अगर दूसरी सर्विसेज के पैसे चार्ज कर रहे हैं इन केस ऑफ योर एटीएम चार्जेस डिमांड ड्राफ्ट चार्जेस

उसके ऊपर जीएसटी नहीं है तो दूसरी बात याद रखिएगा सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बिटवीन बैंक्स बिटवीन बैंक्स जिसको हम इंटरसी ट्रांजैक्शन बोलते हैं बिटवीन बैंक्स या बिटवीन ऑथराइज्ड डीलर्स ऑथराइज्ड बाय होम ऑथराइज्ड बाय आरबीआई तब जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है दूसरा अगर आपको पता है कि दो तीन साल पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना के स्कीम आई थी और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने ठीक है आ, अपने बैंक अकाउंट खुलवाए थे तो बेसिक अकाउंटिंग फैसिलिटीज इनको मिलती है तो ऐसे बैंक अकाउंट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है ठीक है तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना तो ये बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देते हैं इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा बट दूसरी बैंकिंग सर्विसेज पर जीएसटी है और अगर कोई आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम में ही आ सकता है जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें चार पांच पॉइंट में से एक पॉइंट ऐसा हो सकता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है रेपो है रिवर्स रेपो है तो ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो दीज आर सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज तो आपको पता है गुड्स और सर्विसेज डेफिनेशन में आती नहीं है उसके ऊपर जीएसटी मत लगाइएगा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ एग्जाम में आ सकता है कि हमने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया तो दीज आर सिक्योरिटीज रेपो रिवर्स रेपो ठीक है जब बैंक लोन देता है आरबीआई लोन देता है तो ऐसी चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज किया जाएगा ठीक है इन सबके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस सर्विसेज ठीक है सबको समझ में आ गया गवर्नमेंट सर्विसेज हमने करा ठीक है गवर्नमेंट सर्विस जनरली एक्सेंट रहेंगी बट ऐसी सर्विसेज टेक्सेबल है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कुछ सर्विसेज सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट या वेसल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर हमने देखा था कि जहां जहां पर गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर जीएसटी है चाहे वो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है तो भी जीएसटी आएगा बैंकिंग सर्विसेज आरबीआई कोई भी सर्विसेज देता है तो एक्जेम है आरबीआई रिसीव करता है टैक्सेबल तो होगा ठीक है सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट होती है बाकी बैंक सर्विस की सबके ऊपर हम ऑथराइज डीलर नहीं है तो भी जीएसटी आएगा बट सिर्फ बैंक्स कब जीएसटी नहीं लगाते हैं अगर उन लोगों ने कोई हमें लोन्स दिया है या फिर डिपॉजिट है जिसकी कंसिडरेशन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट है एक्सेप्ट याद रखिएगा क्रेडिट कार्ड्स अगर आपने क्रेडिट कार्ड की टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो क्रेडिट तो बैंक क्या करेगा आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा और ऐसे इंटरेस्ट के ऊपर भी जीएसटी लगता है क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी है ठीक है फॉरेन करेंसी की बिटवीन बैंक्स बिटवीन ऑथराइज्ड डीलर से अगर ट्रांजेक्शन हो रही है तो भी जीएसटी नहीं आता है इंश्योरेंस सर्विसेज आप अपने लिए एल आई सी ठीक है आप अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज लेते हैं तो एल से लें किसी भी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से लें जीएसटी लगेगा जीएसटी लगेगा अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लें जनरल इंश्योरेंस लें जीएसटी लगता है तो इंश्योरेंस सर्विसेज पर जीएसटी लगता है क्या आंसर इज़ yes, लगता है बट सर्टन टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सर्टन टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस आर एग्जैम्पल ठीक है जनरल पूछेंगे मुझसे लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी है ठीक है जो भी मैं प्रीमियम देता हूं हर साल उसके ऊपर मुझे प्रीमियम के साथ साथ जीएसटी भी देना पड़ता है जो हर साल मैं मेडिकल इंश्योरेंस लेता हूं उसके ऊपर मुझे जीएसटी भी देना पड़ता है ठीक है मैं अपनी गाड़ी का या आप अपनी गाड़ी का या अपने वही का टू व्हीलर का इंश्योरेंस कराते हैं आपको इंश्योरेंस के साथ साथ जीएसटी भी देना पड़ता है ये सारी चीज़ें ना प्लीज याद मत किया कीजिए अपने आसपास के एनवायरमेंट को देखिए और प्रैक्टिकली सोचा कीजिएगा ठीक है फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी और आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स बनेंगे कमिंग बैक तो जनरली इंश्योरेंस सर्विसेज पर टैक्स लगता है बट अगर कुछ इंश्योरेंस हैं जैसे कि आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले लोगों को कराया है या स्पेसिफिकली अगर हम फार्मर्स के लिए ठीक है उनके लिए कोई जनरल इंश्योरेंस स्कीम है तब एग्जेम्ट कर दिया गया है अगेन इन कंसिडर uh, uh, क्या क्या देखते हैं हम कंसिडर करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ओके लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज जनरली टैक्सेबल है बट ऐसी सर्विसेज एग्जेम रहेंगी सर्विसेज बाय वे ऑफ अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर इंश्योरेंस सर्विसेज टू मेंबर्स ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स अंडर ग्रुप इंश्योरेंस या फिर कोस्टल गार्ड पर्सनल के लिए या पुलिस के लिए सेंट्रल इंश्योरेंस सर्विसेज टू सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हो गए आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले कोस्टल गार्ड वाले और Central Armed Police Force के लिए जो कराया जाता है तो ठीक है और कुछ स्कीम्स भी हैं ठीक है कुछ स्कीम्स भी हैं इंश्योरेंस कवर्ड अंडर स्कीम्स कौन कौन सी स्कीम है? एक दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा ये नाम मैं एक बार रीड कर, कर देता हूं जनश्री बीमा योजना आम आदमी बीमा योजना वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री व्य बंधन योजना ठीक है रिकॉल कर पाएंगे ना याद नहीं करने नाम ठीक है बट हाँ एग्जाम में है तो आप रिकॉल कर पाए हाँ ऐसे नाम हमने पढ़े थे तो ऐसी स्कीम्स के अंडर अगर लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो दैट इज एग्जेंट कुछ जनरल इंश्योरेंस है और मैं आपको बता दू बेसिक यहां पर देखेंगे आप एग्रीकल्चर रिलेटेड है हार्ट इंश्योरेंस स्कीम कैटल इंश्योरेंस स्कीम, इंश्योरेंस ऑफ ट्राइबल्स, पंप सेट या फेल्ड वेल इंश्योरेंस स्कीम, जन आरोग्य बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रॉप से रिलेटेड है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम बंगाल सहस्य बीमा तो ऐसे जनरल इंश्योरेंस भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं इनको जनरल इंश्योरेंस भी एक्ज होते हैं जनरल इंश्योरेंस टेक्बल है ओनली सच काइंडीक है kind of kind of kind of क्लियर हो गया लीगल सर्विसेज याद है आर्बिट्रल ट्राइबूनल वगैरह सर्विसेज देते हैं एग्जाम रहता है सिर्फ कब टेक्सेबल होता है जब एक बिजनेस एंटिटी को दिया जाए जो बड़ी बिजनेस एंटिटी जिसको लास्ट ईयर का टर्न ओवर इतना है कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या फिर अगर सीनियर एडवोकेट दूसरे एडवोकेट्स को सर्विसेज देते हैं तो भी टैक्सेबल होती है ओके बिल्कुल अब हम लास्ट पोर्शन पर आ गए हैं ऑलमोस्ट खत्म हो गया एग्जामिनेशन का रिवीजन आर्टिस्ट आर्टिस्ट सर्विसेज देते हैं आर्टिस्ट कौन है ये लोग फोक क्लासिकल आर्ट फॉर्म क्लासिकल वेस्टर्न नहीं ठीक है क्लासिकल इंडियन इंडियन म्यूजिक ठीक है जैसे तबला वादक हैं या डांस भरतनाट्यम कुछ एक्सेट्रा हैं या थिएटर आर्टिस्ट हैं और ये कितने पैसे लेते हैं याद रखिएगा ये चार्ज कर रहे हैं वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तक तो एग्जेक्ट है बट अगर ये दो लाख चार्ज कर रहे हैं या तीन लाख चार्ज कर रहे हैं तो टैक्सेबल कर दीजिएगा कितना अमाउंट सर इन एक्सेस ऑफ वन नहीं जी पूरा अमाउंट तो अगर कोई व्यक्ति आर्टिस्ट है दो लाख रुपए चार्ज कर रहा है फॉर परफॉर्मिंग दिस थिंग तो टू लाख के ऊपर पूरे अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगा दीजिएगा बट लाख तक चार्ज किए जा रहे हैं तो टैक्स नहीं लगाइएगा दो चीजें याद रखिएगा वो क्लासिकल आर्ट फॉर्म होनी चाहिए और वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज से ज्यादा चार्ज ना किया जाए बट अगर ये लोग आर्टिस्ट हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल जाकिर हुसैन है वो टाटा टी का एड कर रहे हैं ठीक है एज अ ब्रांड एम्बेसिडर कर रहे हैं तो फिर जितने भी पैसे चार्ज करें 150 फिर कोई लिमिट नहीं है एज अ ब्रांड एम्बेसिडर अगर वो लोग किसी का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं तब टैक्सेबल हो जाएगा तब टैक्सेबल हो जाएगा ठीक है कोई अपनी स्टिल फोटोग्राफी कर रहे हैं सिर्फ पोज बना रहे हैं तब ले के ऊपर हाथ रख कर पोज दे रहे हैं स्टिल फोटोग्राफी हो रही है टैक्स उस समय लग जाएगा क्योंकि तो वो उस समय किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं वो लोग ठीक है तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्टिस्ट एज अ ब्रांड एम्बेडर टेक्सीबल हो जाएगा या परफॉर्मेंस ऑफ आर्टिस्ट इन अदर आर्ट फॉर्म लाइक वेस्टर्न डांस है या वेस्टर्न म्यूजिक है उस चीज के ऊपर भी टेक्सीबल हो जाता है फिर 150 की लिमिट नहीं देखी जाती 150 की लिमिट कब देखी जाती है जब इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ ये आर्ट हो ठीक है इट कुड बी योर म्यूजिक इट कुड बी डांस और थिएटर ठीक है इंपॉर्टेंट अगेन सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड बॉडीज ठीक है ये आपको एक दो बार याद कर लीजिएगा ये नाम एक दो बार पढ़ लीजिएगा नाम सर्विसेज बाय एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन प्रोविडेंट फंड ठीक है प्रोविडेंट फंड कोल्ड माइन्स प्रोविडेंट फंड नेशनल पेंशन सिस्टम आई आर डी ए आई आर डी ए याद रहेगा आपको ठीक है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी याबी जब सर्विसेज देती है फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए सर्विसेज देती है या फॉर डेवलपमेंट ऑफ मार्केट के लिए सर्विसेज देती है तब इनकी सभी सर्विसेस के ऊपर टैक्स नहीं लगता मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर लेता हूं। Trust, और SEBI, जब ये देते हैं, तो नहीं लगेगा सर्विसेज बाय इनको बॉडी क्या होती है सब लोग मेंबर्स मिलकर एक बॉडी बना लेते हैं तो ये लोग जब सर्विसेस देते हैं अपने को तो क्या टैक्स लगेगा

सोसाइटीज हैं जहाँ पर हमारे घर हैं फॉर एग्जाम्पल हमारी कॉलोनी है वहाँ पर पचास या सौ घर हैं सब ने मिलकर एक बॉडी क्रिएट कर कर लिए जैसे आर डब्ल्यू एस होती है ना रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ठीक है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन क्रिएट कर ली है और वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज देते हैं ठीक है मेंबर्स को सर्विसेज देते हैं कैसे होता है जैसे हमारी सोसाइटी होती है वहाँ पे गार्डन है उसको मेंटेनेंस की सर्विसेज है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग पूरे रोड पर लगी हुई है इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन uh, वगैरह करना है उसका बिल वगैरह देना है ठीक है और बहुत सारी सर्विसेज उसकी साफ सफाई की वहाँ से कूड़ वहाँ से कोई भी आपके जो घर से रोज गार्बेज निकलता है उसको डिस्पोज करने की सर्विसेज देते हैं ठीक uh, है वहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड है क्रिकेट ग्राउंड को मेंटेन करने की सर्विसेज देते हैं तो ये जो आर सोसाइटी बनी है ये सब मेंबर्स को ही अपनी सर्विसेज दे रहे हैं अगर ये लोग चार्ज कर रहे हैं हमसे सेवेंटी पर मंथ से ज्यादा ठीक है 7500 से ज्यादा अगर एक घर से चार्ज किया जा रहा है पर मेंबर हर घर इनका एक मेंबर होता है ठीक है तो अगर 7500 पर मंथ से ज्यादा चार्ज किया जा रहा है तो जीएसटी आएगा 7500 तक चार्ज किया जा रहा है तो जीएसटी नहीं आएगा तो 7500 तो प्लीज याद रखिएगा ओके स्पॉन्सरशिप सर्विसेस ठीक है अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है और स्पॉन्सरशिप सर्विसेज आ रही हैं कौन दे रहे हैं बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ठीक है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया काउंसिल फॉर डेफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया सेंट्रल सिविल देखिए नाम से ऐसा समझ में आ रहा है कि इनको एग्जाम करना है ठीक है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चर एंड स्पोर्ट्स बोर्ड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पंचायत युवा क्रीड़ा एंड खेल अभियान स्कीम्स तो यहां से स्पोर्ट स्पॉन्सरशिप सर्विसेज होंगी तो एग्जेप होगा ठीक है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है जो लगता है ना ए कैटेगरी वाली है जिसको इंपॉर्टेंट है उसमें मैं अक्सर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाता हूं आपके साथ डिस्कस करने के लिए राइट टू एडमिशन ठीक है ये क्या सर टाइगर जू में अगर आप जाते हैं ठीक है क्या टाइगर रिजर्व में जाते हैं तो अगर जू वगैरह में जाते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं वहां पे टिकट होता है माइनर टिकट होता है हो सकता है ज़्यादा भी टिकट के पैसे लेते हैं वो आपसे तो क्या वो जीएसटी लगाएंगे द द आंसर आंसर इज कुड बी नो कहां पर जीएसटी नहीं लगता है अगर आप किसी भी म्यूजियम में जाएं किसी भी म्यूजियम में जाएं या किसी नेशनल पार्क में जाएं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व या जू में जाएं या किसी भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में जाते हैं ठीक है लाल किला वगैरह यहां पर आपसे जितने भी पैसे चार्ज किए जा रहे हैं एग्जेप होगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा ठीक है आई एम अगेन रिपीटिंग किसी म्यूजियम में नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व या जू या फिर किसी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में जब आप जाते हैं तो आपसे एंट्री फीस ली जाती है उस टिकट के ऊपर जीएसटी नहीं होगा वो एंट्री फीस का अमाउंट कितने का भी हो उसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा बट अगर आप सर्कस या डांस देखने के लिए या थिएटर में जाते हैं किसी अवार्ड फंक्शन कॉन्सर्ट पेजेंट म्यूजिकल परफॉर्मेंस या फिर स्पोर्टिंग इवेंट में जाते हैं स्पोर्टिंग इवेंट रिकग्नाइज और अनरिकोगनाइज दोनों हो सकते हैं जैसे आईपीएल वगैरह देखने गए आप या किसी प्लेनेटेरियम में गए और अगर टिकट यहां पर इसको मैंने अलग से शो किया है राइट ऑफ एडमिशन टू अगर आप यहाँ पर सर्कस वगैरह देखने के लिए अवार्ड फंक्शन में जाते हैं क्या म्यूजिकल परफॉर्मेंस देखने के लिए अगर आप जाते हैं और अगर टिकट फाइव हंड्रेड रुपीज तक का है पर पर्सन पर, पर व्यक्ति का टिकट अगर फाइव हंड्रेड रुपीज तक का है तो जीएसटी नहीं लगेगा फाइव हंड्रेड से ज्यादा का टिकट है आप आईपीएल देखने गए हैं कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट देखने गए हैं अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल सिक्स चार्ज किए जा रहे हैं फिर पूरे अमाउंट के ऊपर जीएसटी आएगा ठीक है ये ऊपर वाली बात है ये जो मैंने ऊपर बोलिया था नेशनल पार्क जू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट यहाँ का टिकट तो कितने का भी हो पांच सौ छह सौ कितने का भी हो जीएसटी नहीं लगेगा बट इन केस सर्कस अवार्ड फंक्शन स्पोर्टिंग इवेंट प्लेनेटेरियम में जाते हैं तो यहां पर पांच सौ रुपए टिकट वाली बातें होंगी ठीक है इंपॉर्टेंट है बातें कमिंग टू द लास्ट वन मिसलेनियस सर्विसेस कुछ मिसलेनियस सर्विसेज हैं ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न कोई व्यक्ति अपना बिजनेस एज इट इज ट्रांसफर कर देता है ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर गेटिंग ट्रांसफर्ड टू समवन एल्स तो हमने जो अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर दिया है वो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा दूसरा फीफा फीफा पोस्टपोन हो गया है ठीक है अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना था नवंबर 2020 में उसके लिए प्रोविजन आए थे कि उस रिलेशन में कोई सर्विसेज ली जाती है या फिर अगर जब ये होता तो हम इसमें एंट्री लेते टिकट कितने का भी होता जीएसटी इसके ऊपर नहीं लगता स्पेशल प्रोविजन लाए गए थे बट अनफॉर्चुनेटली इसको पोस्टपोन करना पड़ा अब इंडिया में कब होगा 2022 में होगा अब जाकर 2022 में नई दूसरी डेट आई है ठीक है एंड आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि वो होना चाहिए ठीक है होना चाहिए आई एम प्रेइंग कि जब तक सारी चीजें ठीक हो जाएं पूरे ऑल ओवर द ग्लोब बट हाँ 2020 में ये जो होने वाला था उसके लिए प्रोविज़न लाए गए थे तो अब ये प्रोविज़न थोड़े से डेफर हो गए हैं हम ऐसा कह सकते हैं तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू फीफा एंड इट्स सब्सिडरीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी ऑफ द इवेंट्स अंडर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होने वाले थे ट्वेंटी ट्वेंटी में इंडिया में बट हो नहीं पाए या फिर जब हम इसमें एंट्री लेते हमें जीएसटी नहीं देना पड़ता बट अब हो सकता है 2022 के लिए प्रोविजंस आ जाएंगे बट अभी तो नहीं आए हैं ठीक है आ जाएंगे आगे ये प्रोविजंस थे जो 2020 के लिए आए थे बट फुलफिल नहीं हो पाए ठीक है ओके नेक्स्ट वन रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल देखिए अगर आप रेंट पर देते हैं चीजें तो दैट इज कंसिडर्ड एज प्रोविजन ऑफ सर्विसेज उसको सर्विसेज माना जाता है बट अगर आप रेंट पर देते हैं घर रहने के लिए रेसिडेंशियल यूनिट रेसिडेंस पर्पज के लिए दे रेसिडेंस पर्पज के लिए तो जीएसटी नहीं आएगा बट अगर आप कमर्शियल रेंट चार्ज करते हैं कमर्शियल पर्पज के लिए देते हैं तो जीएसटी आता है तो यहाँ पर रेसिडेंशियल पर्पज के लिए जीएसटी नहीं आता है होटल इन गेस्ट हाउस वगैरह अगर आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं वन थाउजेंड रुपीज या उससे कम तो जीएसटी नहीं आएगा या अगर ये वन रुपीस पर पर डे से से ज्यादा ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो जीएसटी आएगा वन से पर आएगा वन तक नहीं आएगा जब हम टोल रोड पर जाते हैं तो हमें टोल टैक्स देना पड़ता है या किसी ब्रिज क्रॉस करते हैं तो हमें वहां पर आ, कुछ अमाउंट देना पड़ता है उस अमाउंट के ऊपर भी जीएसटी नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी उस इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज होगा ठीक है तो ये जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट से जो लाइसेंस्ड है जैसे कि रिलायंस है वो लोग हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो जीएसटी नहीं आएगा ठीक है अगर आप प्राइवेट फॉर एग्जाम्पल आप कोई फंक्शन कर रहे हैं ठीक है लेट से आप एक प्राइवेट फंक्शन कर रहे हैं और काफी बहुत दूर जाकर कहीं पे कर रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपने क्या करा कि दो दिन वहां कोई फंक्शन चलेगा तो वहां पर आपने लोग किसी से बोला कि भैया यहां पर इलेक्ट्रिसिटी अरेंज कराइए तो वो लोग क्या करते हैं अपने चार पांच बड़े बड़े जनरेटर ले आए वहां पर और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं क्या उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा उसके ऊपर लगेगा वो आप प्राइवेट जगह से ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वहां पर लगेगा यहां पर क्या बोला गया है जो आप ट्रांसमिशन यूटिलिटी से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं यानी कि या तो गवर्नमेंट से ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से आप ये इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं या फिर जो इनसे लाइसेंस्ड हैं उन लोगों से लेते हैं तब जीएसटी नहीं आता है बट अगर आप प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तब जीएसटी लगेगा फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं जैसे सुपरटेक है सुपरटेक खुद ही बैकअप प्रोवाइड करा रहा है उसके ऊपर जीएसटी वो लगा देगा बिकॉज दैट इज नॉट अ ट्रांसमिशन यूटिलिटी ठीक है सबको याद रहेगा कुल मिलाकर अगर जो हमें नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा बट अगर हम प्राइवेटली इलेक्ट्रिसिटी अरेज कराते हैं कहीं से जनरेटर वगैरह के थ्रू या बैकअप वगैरह के थ्रू उसके ऊपर जीएसटी आएगा पब्लिक लाइब्रेरी में जाइए आप थोड़े बहुत पैसे चार्ज किए जाएंगे आपसे बट जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा ठीक है पब्लिक लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है सर्विस ये भी इंपॉर्टेंट है सर्विस बाय एन ऑर्गेनाइजर अगर आप कोई बिजनेस एग्जीबिशन या बिजनेस इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं ठीक है इंडिया में कोई व्यक्ति वो आपको ऑर्गेनाइज करा रहा है बट बिजनेस इवेंट कहां पर होगा इंडिया के बाहर याद रखिएगा ये 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 एग्जाम एग्जाम में में अक्सर आता है है आ चुका वाला पॉइंट तो सर्विस बाय एन ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर अगर हम किसी से बोलते हैं कि आप हमारा एक बिजनेस इवेंट ऑर्गेनाइज करा दीजिए श्रीलंका में लेट से ठीक है आउटसाइड इंडिया तो वो हमसे पैसे चार्ज करेगा बट जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा सर्विस बाय स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स ठीक है यहां पर जीएसटी नहीं आएगा ठीक है एनिमल का जो स्लॉटर हाउस होते हैं वो लोग जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे और सर्विसेज बाय फॉरेन फॉरेन डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक मिशन मतलब आ, कोई फॉरेन एम्बेसीज हैं यहां से हम लोग सर्विस लेते हैं वीजा वगैरह फॉर एग्जांपल आपको यूएस ट्रैवल करना है तो आप यूएस एम्बेसी जाएंगे आपको वीजा वगैरह की वो लोग सर्विसेज देते हैं पैसे चार्ज करते हैं बट जीएसटी नहीं लगाएंगे तो ऑलमोस्ट हमने मैक्सिमम चीजें कवर कर ली हैं एग्जामेशन के बारे में तो आई बिलीव आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी याद करने में इजी रहा होगा ठीक है आपका रिवीजन ठीक हुआ होगा इन आ, अगर इन केस अगर आप चाहते हैं जो मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको आ, चार पाँच दिन बाद दोबारा से इसको थोड़ा ज्यादा स्पीड एडजस्ट कर करके दोबारा से एक बार देख लीजिएगा जिससे कि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली और रिटेन भी बहुत ज्यादा टाइम तक रह सके आपको ठीक है चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच Bye and take care.